So Joda Agar was the wife of Agar, and in the love of his wife, basically, he introduced a new religion, which was a false religion called Dine Ilahi. Dine Ilahi introduced Kiala. Dine Ilahi was introduced. Dine Ilahi, you have to worship Allah as well, you have to follow Islam also, and Hinduism also. That's why the empire designed Delhi. इसी तरह ही मेड अ न्यू रिलीजन विच वॉज अ मिक्सचर ऑफ इस्लाम एंड हिंदुइज्म. अकबर के बाद वी हैव जहांगीर. जहांगीर के दौर में एम्पायर वाज वेरी पीसफुल, वेरी पीसफुल. जहांगीर आल्सो एक्सपेंडेड बट ही वाज बेसिकली वाज वेरी सक्सेसफुल. वी लव आर्ट. जहांगीर के बारे में मशहूर है उसको इंग्रेविंग्स, पेंटिंग्स, जो हमारे बेसिकली जितने भी आर्ट्स हैं, पेंटिंग्स हैं, वी लव दैट स्केचेस. तो ही वो तो आर्ट लवर बेसिकली. जहांगीर वो तो आर्ट लवर. देन इज सन शाहजहां. तो फोर बात में यही आएगा कि वो शाहजहां. सवाल पता क्या आएगा? हु वाज खुर्रम. शाहजहां रियल नेम इज खुर्रम. हु वाज खुर्रम? फोर मार्क्स. अगर आप लोग समझ रहे हो कि ये चीज़ें अभी तक नहीं की गई, सो यू वर इन अ डेंजर. अगर आप लोगों को ये चीज़ें नहीं पता, छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा इंशाल्लाह ड्यूरिंग द लेसन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो हु वाज खुर्रम? द रियल नेम ताजमहल. The succession dispute the main reason for the decline of Mughal Empire. Examiner will always give you one reason in proving marks. You can really say that succession dispute was the reason. You always say successor is one guy, the same thing. It was always successor. The main reason for the decline of Mughal Empire was succession of dispute. The main reason. So succession dispute का मतलब क्या होता है कि there was no law of succession. कि who will take the throne after the father? शाहजहां old हो गया, he was sick. ये कभी बातें करें 1657 की बात है. 1657 में अब succession का सवाल आ रहा है. डेट नहीं लिखी, एज का नहीं आता. डेट आर इम्पॉर्टेंट. प्लीज स्टार्ट लर्निंग द डेट. एटलीस्ट एक टॉपिक की एक डेट याद होनी चाहिए. पूरे मुगल एम्पायर का टॉपिक एक डेट याद करनी बस. मुगल्स में सक्सेशन इशू स्टार्टेड सिंस द टाइम ऑफ शाहजहां. शाहजहां वाज टेक दिस पोर्शन फॉर बॉडी इन 1657. अ पोर्शन के नाम आपको याद होने चाहिए. दैट इज द इन डेप्थ नॉलेज. जनरल आस्किंग इन डेप्थ नॉलेज बताइए. कॉन्टेक्चुअल नॉलेज दे इंग्रेस के क्लीन वेल. एग्जैजरेशन नहीं चाहिए. प्लीज डू नॉट एग्जैजरेट. क्वालिटी मैटर्स नॉट द क्वांटिटी. जब आप क्वालिटी करते हो तो आप रीजन प्रॉपर 5-6 रीजन कोडिंग मार्क बताते हो. ऑटोमेटिक सी बात है कि आपकी लेंथ 2 पेजेस से ज़्यादा जाएगी. ये कंसिडर सी बात है, ठीक है. तो आप ये नहीं सोच रहे हो कि लंबी करनी है, बस भेजे जाएंगे पेपर भरते रहेंगे. नो. यू हैव टू स्टार्ट विद द प्राइमरी रीजन एंड देन द सेकेंडरी रीजन. मेन रीजन पहले बताया कि गिव अ गुड इंप्रेशन टू द एग्जामिनर. वो आपको क्यों एग्जाम देगा? बिकॉज यू आर एक्सटर्नल. यू आर यूजिंग द प्राइमरी रीजन. फॉर एग्जाम्पल सक्सेशन डिस्प्यूट द प्राइमरी रीजन इज क्वेश्चन. That there were four sons of Shahjahan, Dara Shikoh. Number one, please note down the name. Four names mentioned karne hain. Dara Shikoh, Shah Shuja, Dara Shikoh, Shah Shuja, Murad. Murad ke naam Murad likh ke nikale. Dara Shikoh, Shah Shuja, Murad, Aurangzeb. Aurangzeb was the youngest one. Dara Shikoh was the eldest one. सबसे बड़ा भाई Dara Shikoh. अब Dara Shikoh basically कौन था? ड्रंक था. ही वॉज अल्कोहलिक.
आपकी फैमिली में क्या होता है एशियन कल्चर में, तो भाई बड़ा बेटा जो है वो संभालेगा। इसी तरह द एल्डेस्ट सन वायर शिप ऑफ द बाउ टू टेक द थ्रोन एंड एवरीवन थॉट कि ये एम्परर बनेगा, बट ऑरिजिन ऑफ द एल्डेस्ट सन। अब ऑरिजिन कह रहे हैं भाई मेरी गलती है, मैं दुनिया में देख आया, मेरी गलती नहीं है। तो दारा शिपो वॉज बेसिकली अल्कोहलिक, ड्रिंकिंग करता था बहुत। अगर दारा शिपो थ्रोन ले लेता तो ये फायर जो है मैनेज खत्म हो जाता, डिक्लाइन हो जाता। तो व्हाट हैपेंड कि ऑरिजिन ज्वाइन फोर्स मुराद, मुराद के साथ दो भाई छोटे भाई मिल गए, दो छोटे भाई आपस में मिल गए, ऑरिजिन एंड मुराद ज्वाइन देयर हैंड्स एंड देयर फोर्सेस, सबके अपने फोर्सेस थे, हर बेटे के अपने फोर्सेस थे, एंड दे वांट टू डिफीट द फोर्सेस आर्मी ऑफ दारा शिको, बड़े भाई की आर्मी को डिफीट करना चाहते थे दो भाई, एंड दे वर सक्सेसफुल, दारा शिको वॉज डिफीटेड। चलो ठीक है, अब जिस भाई ने हेल्प की थी मुराद उसकी भी बात करें, ऑरिजिन वॉज सो ग्रीडी, ही वॉज सो सेल्फिश फॉर द थ्रोन दैट ही डिफीटेड वन बाय वन ऑल हिज ब्रदर्स, दारा शिको को भी डिफीट किया, शाह शुजा को भी किया, मुराद को भी किया। अब ऑरिजिन टुक बाय एम्पायर, हाउ ही बीटो ये पता होना चाहिए आपके एग्जामिनर, जब आप एग्जामिनर रिपोर्ट देखेंगे अभी जैसे मेरी दिखाई देगी, मैं एग्जामिनर रिपोर्ट से अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, जनरल कहता है कि स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है कि ऑरिजिन को थ्रोन कर दिया। We don't know. We start writing about Aurangzeb. Oh my God, Aurangzeb wanted to take down the city for the year. And it's the start case in here. Likhega, he basically marched on Agra. Agra pe march karne ka matlab tha ki aap apne jo emperor hai, aap emperor ban rahe ho. He marched on Agra. आगरा बेसिकली हेडक्वार्टर था, आगरा क्या था उसका जो है बेसिकली आगरा में जो मार्च कर लेता था, आगरा में जो मौजूद हो जाता था एम्परर वो बादशाह बन जाता था। आगरा किसके कंट्रोल में था, इसके अबू जान के, अबू जान कौन है, शाहजहां। शाहजहां बीमार था तो बच्चे लड़ने शुरू हो गए और फिर औरंगजेब ने थ्रोन ले लिया वाइल मार्चिंग ऑन द आगरा, आगरा और इंपीरियल आर्मी को भी डिफीट किया, अपने वालिद साहब की आर्मी को भी औरंगजेब ने डिफीट किया। औरंगजेब डिफीटेड द इंपीरियल आर्मी, जो सबसे हाई लेवल आर्मी होती है, सबसे बेस्ट आर्मी होती है, सबसे अपने वालिद साहब शाहजहां आर्मी को डिफीटेड बाय हिज ओन सन औरंगजेब, औरंगजेब ने अपने वालिद साहब की आर्मी को भी डिफीट कर दिया और आगरा में मार्च कर दिया। दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड। औरंगजेब ने इस तरह अपने वालिद साहब को डिफीट करके, शाहजहां को डिफीट करके जो है वो एम्पायर ले लिया। अब औरंगजेब की पॉलिसी देखते हैं, औरंगजेब के भी जुटा लू, औरंगजेब जुट आ गया। अब देखिए हाउ सक्सेसफुल, हाउ सेवन मंथ्स आ गए, कोई नहीं नोट डाउन, हाउ सक्सेसफुल, हाउ सक्सेसफुल वर द पॉलिसी ऑफ औरंगजेब, हाउ सक्सेसफुल वर द पॉलिसी ऑफ औरंगजेब, औरंगजेब की पॉलिसी कितनी सक्सेसफुल थी, हाउ सक्सेसफुल वर द पॉलिसी ऑफ औरंगजेब। नंबर वन, हम सक्सेसेस की बात करते हैं सबसे पहले कि ही वॉज अ स्ट्रिक्ट रिलीजियस पर्सन, ऑर्थोडॉक्स कहते हैं उस बंदे को जो बहुत इतिहाई ऑर्थोडॉक्स, तो मुस्लिम लाइक हिम बट उसने कुछ फोर्स भी किया था, ही फोर्स कि भाई फाइव टाइम पीरियड पढ़ने पढ़ना है, पीरियड की लेंथ डांसिंग सिंगिंग माइंड में चला ही कर दिया, तो ही इन्फोर्स इस्लामिक पॉलिसी, तो मुस्लिम उसको लाइक करते हैं ज्यादा, इट्स अ रिलीजन। ठीक है, सक्सेसेस बता रहा, सक्सेसेस क्या है, ही एक्सपेंडेड हिज एम्पायर, ही एक्सपेंडेड हिज एम्पायर लास्टली, इसने डिफीट किया राजपूत, यू मस्ट नो किस किस फॉर्म को उसने डिफीट किया, राजपूत, मराठास, अवान, पठान, मराठा रही, सतनामीज, राजपूत, सेठ, पठान, अवान, ही एक्सपेंडेड हिज टेरिटरी टूवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ इसने टेरिटरी को मिलाया, बाबर भी ये करता, ये क्यों ऐसा करते हैं आपको पता, जितने एम्परर आते हैं वो सब नॉर्थ में जाते हैं, साउथ का मरिया, ईस्ट है, वेस्ट है, भाई यहाँ पे क्यों नहीं आ रहे आप लोग, इससे क्या नफरत है, समझते में टूट जाएंगे क्या साउथ में आ रहे हैं, नॉर्थ के इसलिए वो जाते हैं क्योंकि नॉर्थन एरिया जो है माउंटेनियस एरिया, माउंटेनियस एरिया जो होते हैं माउंटेन बेसिकली होती है, इट्स लाइक अ बॉर्डर टू अस, ये बॉर्डर होता है, सिक्योरिटी होती है, नेचुरल बॉर्डर होते हैं माउंटेन्स, माउंटेन्स आर नेचुरल बॉर्डर, इसलिए बाबर ने भी और औरंगजेब ने भी नॉर्थ की तरफ एक्सपेंशन करते थे ताकि दूसरी कौम को अटैक ना कर सकें, जो पहाड़ी इलाके हैं वो कॉन्कर कर लिया जाता है, तभी आज देखें जितने भी ट्राइबल लोग हैं बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान में, केपी के में, फाटा में, ये सब कहाँ रहते हैं, हमारे पहाड़ी इलाकों में, बलूचिस्तान, सुलेमान वेन, वेस्टर्न माउंटेन में, तो देखो दे वॉन्ट टू मेक देयर ओन बॉर्डर, यही वाले मामला है। औरंगजेब की सक्सेस पॉलिसी एक्सपेंशन एक्सपेंडेड एम्पायर वेस्टली एंड नॉर्थ की एक्सपेंशन की, राजपूत, जट्स,
सबको उसने डिफीट करा, लेकिन एक फेलियर है, फेलियर ही है, ही वॉज नॉट एबल टू डिफीट मराठास। मराठास को वो 25 साल तक लड़ता, सिंस 25 इयर्स ही केप्ट ऑन फाइटिंग विद मराठास एंड मराठास वर नॉट डिफीटेड बाय औरंगजेब एट ऑल। 25 साल तक औरंगजेब अपना एक्सट्रावेगेंस करता रहा, वॉर में पैसा लगाता रहा, ही केप्ट ऑन स्पेंडिंग ह्यूज अमाउंट एंड ही कुड नॉट डिफीट मराठा। और मराठास ने इसीलिए डिक्लाइन का सवाल है, मस्ट मेंशन दैट मराठास क्रिएटेड हिंदू एम्पायर। यहाँ से हिंदुस्तान का जो आइडियोलॉजी है यहाँ से स्टार्ट हुआ है, हिंदुस्तान हमारा। कल को हिंदू माइंड से शुरू में क्या कहेंगे, हिंदुस्तान हमारा है भाई, हमें सेल्फ रूल चाहिए, हमें मेजोरिटी सीट चाहिए, ये होगा हमारा भी सेशन में। क्यों हुआ, क्योंकि हिंदुस्तान की बात यहाँ से, हिंदू एम्पायर मराठा जो वेरी पार्ट ऑफ हिंदू, दे क्रिएटेड हिंदू एम्पायर। अब यहाँ डिक्लाइन आ रहा है, एक मुगल एम्पायर खत्म हो रहा है, कौन सा एम्पायर आ रहा है, हिंदू एम्पायर आ रहा है। उसके बाद कौन आ जाएगा, ब्रिटिश आ जाएंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट आ जाएंगी। स्टोरी बताओ चाहिए आपको, कंसेप्ट ले लेते हैं। अच्छा, अब आप ये जो सवाल बता रहा हूँ औरंगजेब की पॉलिसी, हमने सक्सेसफुल की बात कर ली थी इसकी। अच्छा, इसके एक और सक्सेसफुल था कि इसमें जिजिया पॉलिसी में फेल, जिजिया पॉलिसी फेलियर नहीं थी, जिजिया पॉलिसी फेलियर था कि मराठा अपोज एंड दे सेड वी विल नॉट गिव यू टैक्स, हम टैक्स नहीं देंगे, फेलियर था। मराठा अपोज दैट एक्स्ट्रावेगेंस पॉलिसी की औरंगजेब की, फजूल खर्च थे, फेमस पर्ल मॉस बनाई, अपनी प्राइवेट प्लेट पढ़ने के लिए सिर्फ एक मॉस बनाई थी, पर्ल मॉस, क्या बात है, नवाब साहब अकेले नमाज पढ़ रहे हैं, अकेले ऊपर जाने अकेले आए, तो नवाब साहब जो है वो उन्होंने जो है वो अपने नमाज पढ़ने की, हालांकि इस्लाम में क्या फिर साथ मिलकर नमाज पढ़ना, लेकिन ये भी पता नहीं हो रही अपने अलग नमाज सही बात ये चीज़, फिर फेमस पर्ल मॉस बनाए, डिफरेंट पैलेसेस बनाए, टॉन्स बनाए, दे टू गेट ज्वेल्स, लॉट ऑफ ज्वेल्स, दे स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन द ज्वेल्स। तो ये पूरा एग्जैक्टली किया करो कि बेसिकली दे आर्मी, उसकी आर्मी भी एंट्रिंग होगी, जितना भी औरंगजेब की पॉलिसीज की वैसे बात कर रहा हूँ। एक और फेलियर है, सबसे इंपॉर्टेंट फेलियर है मनसबदारी सिस्टम, या इसको जमींदारी सिस्टम भी कह सकते हैं, जमींदार्स, एक ही बात, मनसबदार्स कौन है गाइस, मनसबदार वो हाई पोस्ट के लोग होते हैं, मिलिट्री कमांडर्स होते हैं जो बेसिकली कंट्रोल संभालते हैं, तो मनसबदार्स वर गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, मनसबदार्स वर गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग टैक्सेस, जिजिया कलेक्ट करने की जिम्मेदारी मनसबदार को दी गई। मनसबदार कौन होते हैं, जो हाई रैंक्स होते हैं, मिलिट्री कमांडर्स होते हैं, नवाब होते हैं, लैंडलॉर्ड होते हैं, तो जो हाई लेवल के लोग होते हैं, हायर पोस्ट के लोग होते हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई कि आप जो है वो जिजिया कलेक्ट करें, लेकिन मनसबदारी बिकॉज दीज हाई पोस्ट ऑफिसर्स, मिलिट्री कमांडर्स एंड नवाब दे रिटेन करा जिजिया, में जैसे पाकिस्तान में भी क्या होता है, टैक्स की करप्शन है, इनकी हाई पोस्ट, आप कुछ भी जगह जाओ, इंडिया जाओ, कोई गाड़ी सेवा करने जाओ, रिश्वत देनी पड़ेगी आपको, हर इलाके में रिश्वत देनी पड़ेगी आपको, तो होता है उस, ये उस जमाने में चल रहा है, आज की बात की रिश्वत, तो मनसबदार जो वॉशिंग करप्ट, टैक्स में करप्शन हुई थी, और दे स्टार्टेड जो मनसबदार नवाज थे, दे टुक ऑल द टैक्स मनी एंड दे स्टार्टेड स्पेंडिंग ऑन देमसेल्फ, उन्होंने टैक्स का पैसा अपने ऊपर लगाना शुरू कर दिया, अपनी पावर को कम, तो औरंगजेब की पावर और डाउन हो गई, ये भी रीज़न है मनसबदारी ऑफ मुगल एम्पायर। तो ये औरंगजेब की पॉलिसी होगी, तो सक्सेसेस और फेलियर दोनों लिखने होते हैं, सक्सेसेस क्या था, एक्सपेंशन पॉलिसी थी, कुछ हद तक रिड्यूस पॉलिसी थी, फेलियर्स क्या है, मनसबदारी सिस्टम फेलियर है, एक्स्ट्रा वेगेंस फजूल खर्च थे ये लोग, ठीक है, इनकी वीक मिलिट्री थी, वीक एडमिनिस्ट्रेशन थी, ये मैनेज नहीं कर सके, और इतना बड़ा एम्पायर था, एम्पायर वॉज इन यूज, तो वो मैनेजमेंट वाली पॉलिसी नहीं थी, ठीक है गाइस। नाउ वी आर कमिंग बैक टू द क्वेश्चन ऑफ डिक्लाइन, 14 मार्क का सवाल आ रहा है, बहुत एफिशिएंट इशू, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर द डिक्लाइन, एफिशिएंट इशू मैंने डिस्कस कर दिया है, तो फोर्स मैंने फाइटिंग हुई थी औरंगजेब बिगेन द एम्परर, नंबर वन रीजन। नंबर टू, इसे आप बताओ कि औरंगजेब पॉलिसी जरूर बतानी है, आप शुरू हो जाते हो वीक मिलिट्री, वीक बी पी, एनीथिंग इज वीक, डिक्लाइन का सवाल हो गया, अल्लाह हमें एक बार माफ देखिए कर जाए, एवरीथिंग इज वीक, नो भाई स्टार्ट विद द प्रॉपर रीजन, मार्क इसलिए बोलती है, जनरल होता है सीआई का, स्कूल लिखना पहले, नंबर टू मनसबदारी सिस्टम लिखना होगा, अपनी मर्जी से आंसर फॉर्म नहीं कीजिए, प्राइमरी रीजन मेन रीजन फॉलो करें, ए 100% आएगा, मनसबदारी सिस्टम लिखेगा तो औरंगजेब की पॉलिसी थी
was basically to collect taxes, but it declined obviously, and it could not get the tax money, and the empire became weak and poor ho gaye. They were spending their treasure, unka khazana tha na, wo paise ko use kar rahe the, saving use kar rahe the, khazana ka saving, ye saving use kar rahe the. Jis din aap saving use karte ho, tab tabah ho gaye, you are not earning. The moment you are not earning the money, taxes ka decline ho gaye. फिर आपको ये भी बता सकते औरंगजेब हैड थ्री सन, औरंगजेब की भी तीन बेटे थे, उनकी भी ऋषि बड़ा कहते ना जैसा बाप वैसे बेटे, अम्मी जान कहती है मुझे बाप वैसे बेटे, वैसे जैसे औरंगजेब, जैसे शाहजहां का, जैसे औरंगजेब, औरंगजेब ने क्या था ग्रीडी था, औरंगजेब सेल्फिश था, उसने अपने भाई से लड़ा था, इसी तरह उसके जो बेटे थे तीन बेटे थे उसमें से एक प्रिंस मुअज़्ज़म killed and defeated all the brothers. Aurangzeb ka jo beta tha Prince Muazzam, successors ki kahani bata raha hu, Aurangzeb successors, jo sawal aayega ki wo Aurangzeb successor ka main reason for the decline, ab 99% bache nahi kar sakte is baat. Aurangzeb successor ka sawal aaya, sir hame kya pata, hum koi family member thodi hai, mere rishtedar hi hai usme, because I belong to them, you know me. ठीक है, तो बेसिकली औरंगजेब के सक्सेसर में औरंगजेब हैड थ्री सन एंड प्रिंस मुअज़्ज़म टुक द थ्रोन बाय डिफीटिंग ऑल द ब्रदर्स एंड किलिंग ऑल द ब्रदर्स. प्रिंस मुअज़्ज़म ने अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश किया था. फिर प्रिंस मुअज़्ज़म के भी चार बेटे थे, प्रिंस मुअज़्ज़म के भी चार बेटे थे और उन्होंने भी आपस में लड़ाई की और मोहम्मद शाह जो है फिर एमरल बन गया. तो मतलब क्या कम फाइट आफ्टर औरंगजेब, एवरीवन स्टार्टेड फाइटिंग, ऑल द ब्रदर्स, जो बच्चे आते थे उनके वो लड़ते रहते थे. क्यों, मसला क्या था? No law of succession. There was no law. कोई लॉ ही नहीं था कि भाई कौन बनेगा, कोई कॉम्पिटिशन करेगी, उस तरह कोई लॉ होना चाहिए, बड़ा बेटा बनेगा छोटा, तो देखो नो लॉ. फिर देवर ठीक है, फजूल खर्च लेवल बहुत थे और वॉर्स पे. अच्छा कहीं आप लोग भी नोटबुक भी खोलिए, रिव्यू बुक्स खोले, ऑफिन रिव्यू बुक्स वॉटर टॉपिक पर डिस्कस है. Nadir Shah looted and plundered Delhi. 2 महीने तक मुगल चल रहे हैं.
इतना कॉल की कॉलिंग है आई है। उसके बाद अफगान का टीम भी तो है पर्शियंस मराठास एंड अफगान। अफगान ने क्या किया, अहमद शाह अदानी, अहमद शाह अदानी कोर्ट ऑफ लैंडेड पीक ऑफ थ्रोन, ये अहमद शाह अदानी है एक ही बंदी और दोवानी 1761 थर्ड बैटल ऑफ मानिकल। पहली बैटल ऑफ मानिकल बाबर ने लड़ी थी, सेकंड बैटल ऑफ मानिकल अकबर ने लड़ी थी, तीसरी बैटल मुगल्स वाली है, थर्ड बैटल राजपूत 1761 को शुरू वाली बैटल हुई है। वो और लड़ी 1761 में क्या हुआ, शाह अली का जो हमारे रिपोर्टर थे उन्होंने उसको लेटर लिखा था, जबकि हमारे नवाब ने उनको उनको लेटर लिखा था कि वो अगेन हमारा मराठा साहब लड़े, तो अहमद शाह दुरानी जो अफगान थे मुसलमान थे उन्होंने मराठा को डिफीट किया था। अहमद शाह दुरानी डिफीटेड मराठा, अहमद शाह दुरानी ने मराठा को डिफीट किया। सो हम नेक्स्ट टॉपिक आते हैं अराइवल ऑफ ब्रिटिश, अराइवल ऑफ ब्रिटिश, हाउ ब्रिटिश अराइव, इसमें से दो डेट से याद करने वाले हैं। देखिएगा सवाल आता है व्हाई ब्रिटिश वर अट्रैक्टेड, व्हाई ब्रिटिश अपीयर टू सब कॉन्टिनेंट, व्हाई ब्रिटिश वर अट्रैक्टेड टूवर्ड सब कॉन्टिनेंट, वो क्यों आए थे। सेवन मार्क का सवाल है, 14 में नहीं आ सकता, 7 नहीं आएगा। 7 मार्क्स में आपको 3 से 4 रीजन एक्सप्लेन करने हैं, 3 to 4 पैराग्राफ, हर रीजन को एक पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया करें। एग्जाम्पल यही कहता है कि वी वांट इंफरेंसेस, वी वांट कॉन्टेक्चुअल नॉलेज। कॉन्टेक्चुअल नॉलेज का मतलब क्या होता है, फैक्ट्स एंड फिगर्स, फैक्ट्स बताने हैं, लंबी नहीं करें, डेस्क्रिप्शन मिल जाए करें, अच्छी लर्निंग करें ताकि आपके पास इनफ वर्ड हो। आपको बच्चे बच्चे इस बार हमारे पास लेंथ पूरी नहीं होगी, वर्ड पूरी नहीं हो रहे, सब कम लिखा रहे, नंबर कम आ रहे, तो दैट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ लर्निंग। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा और फिर आपके साथ में लर्निंग की होगी, यू कैन गेट व्हाटएवर लैंग्वेज यू वांट। आप 4 बजे ले सकते हो, ऐसा नहीं, ठीक हो गया। फर्स्ट रीजन क्या है, व्हाई ब्रिटिश अराइव, बिकॉज इट वॉज अ गोल्डन स्पैरो, गोल्डन स्पैरो इज अ पॉइंट ऑफ मल्टी स्कीम, ये सोने की चिड़िया थी, यूरोपीय सब कॉन्टिनेंट था, इट वॉज अ गोल्डन स्पैरो। गोल्डन स्पैरो का मतलब है कि इट वॉज गुड प्लेस, इट हैज बेसिकली इंडिया हैड द स्ट्रेटेजिक रोल, इट वॉज फोर्थ वाली थी, गोल्डन स्पैरो कहते थे क्योंकि हाईली प्रॉफिटेबल जगह थी और यहाँ पे बेसिकली स्ट्रेटेजिक पोर्ट था। वॉट स्ट्रेटेजिक पोर्ट, 3 बेसिस का नाम याद कर लें, बॉम्बे, मद्रास एंड कैलकटा, बॉम्बे, मद्रास एंड कैलकटा, 3 बेसिस थी जो सी पोर्ट्स हैं। देखिए चाइना भी हमारे दो सीमेंट क्योंकि वो हमारा गवादर यूज़ करता है सी टाइप के नाम पर, तो हमारे डिफरेंट कंट्रीज मेजर कंट्रीज हैं, वो दोस्ती क्यों लगा बैठे हैं, तो वो हमारा सी पोर्ट यूज़ करते हैं एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के लिए। उसी तरह ब्रिटिश भी आए थे सी पोर्ट के चक्कर में कि यहाँ पे एक्सप्लोर करना आसान होगा, तो दैट इज कॉल्ड गोल्डन स्पैरो और स्ट्रेटेजिक पोर्ट। तो ये 2 रीजन हो गए। नंबर 3 रीजन हो गया क्वीन एलिजाबेथ 1 इन 1600, दो डेट्स याद कर लेंगे, एक 1600 में 1600 में क्वीन एलिजाबेथ 1 ग्रांटेड परमिशन, ठीक है, टू अ प्राइवेट कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आप जाइए ट्रेड कर लें, वो अटैक करने नहीं आए, याद रखेगा इवेंचुअली लेकिन फिलहाल वो ट्रेड करने आए, एक प्राइवेट कंपनी आई थी। उसके बाद 1612 शाहजहां ने भी इनको कमर्शियल ट्रेडिंग की थी, शाहजहां ने भी इनके साथ ट्रेड की इजाजत दे दी, जो मुगल एम्पायर था शाहजहां मुगल 1608 में EIC के वो ट्रेड कर सकते हैं। शाहजहां ने क्यों की थी, बिकॉज़ ही वांटेड टैक्स, वो टैक्स चाहता था, हमें टैक्स मिलेगा। अच्छा एक बार रीजन कहते हैं ना, उसने लैंड क्रूजर लेकिन हम भी पुराने लेंगे, उसने पुराने लिए तो हम भी पुराने फ्रेंच डच एंड पोर्चुगीज वर ऑलरेडी ट्रेडिंग हुए, उसमें जो बाकी मुस्लिम कंट्रीज थी डच थी पोर्चुगीज थी और फ्रेंच थी जो ऑलरेडी ट्रेडिंग, तो ब्रिटिश भी हमें हम भी ट्रेड करें, जब ये पैसा कमा रहे हैं भी कमा नहीं किया जाए। उसी बात फैक्टर भी था कि यूरोपियन कंट्रीज वर ऑलरेडी ट्रेडिंग हुए, तो ब्रिटिश ऑल्सो वॉन्टेड टू ट्रेड, दैट इज ऑल्सो रीजन ऑफ बेसिकली ब्रिटिश अराइवल के सारे रीजन हैं। ऑफकोर्स अगर आप बताओगे ट्रेड करने आए थे, दे वांटेड टू बी वेल्दी, दे वांटेड टू बी पावरफुल, ठीक है, दे वांटेड टू बी इन द आर्मी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ये रीजन आ गया 7 मार्क्स के लिए, 4 रीजन बताने। ओके गाइस, दिस अनदर क्वेश्चन, इट्स अ डिफिकल्ट वन, वी विल डिस्कस 100 इयर्स ऑफ ब्रिटिश एक्सपेंशन नाउ, यू मस्ट मेक श्योर दैट द टाइमलाइन पर सवाल है,
ब्रिटिश एक्सपेंशन की बात हो रही है अभी यहाँ पे. ब्रिटिश इंडिया, इंडिया जो है वो ब्रिटिश का होगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट, और वॉरेन
नथिंग एंड टेक द कंट्रोल और पुलिस रेवेन्यू आर्मी सब चीज़ें वो टेस्टिंग के अंदर होगी और ब्रिटिश की गवर्नमेंट आ जाएगी। और जब ब्रिटिश की गवर्नमेंट आ गई तो पहली बैटल 1799 में बैटल ऑफ मैसूर, टीपू सुल्तान का वाक्य इसमें जरूर लिखिएगा। 1799 में टीपू सुल्तान का रेल लिंक है फातेह अली। टीपू सुल्तान रेल लिंक वॉज फातेह अली एंड ही वॉज सन ऑफ हैदर अली एंड ही वॉज द रूलर ऑफ माइसोर जो है वहाँ पे रूलर था। टीपू सुल्तान बेसिकली वॉज किल्ड बाय लॉर्ड वेल्सले। टीपू सुल्तान को लॉर्ड वेल्सले ने किल किया था। सवाल आ सकता है Who was Tipu Sultan? Same story. Who was Lord Wellesley? Same story. Lord Wellesley was the one who bribed the commander of Tipu Sultan. Tipu Sultan ke commander ka naam tha Mir Sadiq. Mir Sadiq was the traitor of Tipu Sultan. He let British forces enter into the fort. Jo kila tha usme daakhil ho gaya. Big government. तो इस तरह जो है वो मीर सादिक जो है बेसिकली ड्राइव। उसके बाद 1803 में ब्रिटिश ने कॉपर कर लिया दिल्ली जो है दिल होता था उनका हार्ट होता था कैपिटल होता था बड़ी उनके क्रोध की जगह थी। तो दिल्ली वॉज कॉपर एंड मुगल एम्पर सुनिएगा मुगल एम्पर शाह आलम टू सरेंडर मुगल से हार लेते हैं कि वो सरेंडर कर गए मुगल सरेंडर कैन यू इमेजिन दैट ब्रिटिश का एक और मंजन था ये कि हम आपको जॉब देंगे। मसला क्या है जॉब तो मिलने वाली है इसे मंजन ये है कि जॉब हासिल करने के लिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज आनी चाहिए। नंबर टू वो मुसलमानों को आती नहीं थी और नंबर टू हमें इंग्लैंड जाना होगा इंग्लैंड जाने के पैसे नहीं हमारे पास यहाँ लड़का वहाँ जाने के पैसे नहीं। तो दोनों इशू हमारे लिए थे कि इंडियन डिड नॉट नो इंग्लिश लैंग्वेज एंड दे कैन नॉट गो इंग्लैंड पेपर इंग्लैंड होते थे चार्टर ऑल द जॉब सिक्योर बाई ब्रिटिश ने सारी जॉब सिक्योर कर ली। और ड्रेन ऑफ वेल्थ ड्रेन ऑफ वेल्थ का मतलब है हैवी सैलरीज वर गिवन हैवी सैलरीज वर गिवन ठीक है। उसके बाद आ जाए आप एनेस्थेशन बल्कि टीटू मीट करते हैं वो बहुत टीटू मीट 1831 में 1833 टाइमलाइन चल रही है 1831 में टीटू मीट आ जाएगा इसलिए वो सैयद मीर निसार टीटू मीट या इनको कहते हैं मिथरली कह सकते हैं सैयद मीर निसार बंगाली फ्रीडम फाइटर इन्होंने भी ब्रिटिश के खिलाफ बैंबू फोर्ट बनाया था एंड वो ऑल्सो किल्ड बाय ब्रिटिश 1831 में तकरीबन 5 days से एक हमारा टॉपिक है पॉजिटिव वॉर एक इवेंट
the possible question around this warming trend is called is that it was restarted, the main reason was restarted, the main reason was restarted. क्वेश्चन बता रहे हैं इम्पोर्टेंट है वॉज री स्टार्टेड इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन फॉर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 कुछ बच्चे पाकिस्तान के बारे में लेके आ जाते हैं अरे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 1947 नहीं है 1857 तो री स्टार्टेड ब्रिटिश इंट्रोड्यूस अ न्यू राइट ब्रिटिश ने न्यू राइट इंट्रोड्यूस की थी ब्रिटिश आर्मी के बीच में जो जो पार्टी थी लोड होगा बेसिकली को मुंह सबमिट करना होता था और इट वाज रूमर्ड दैट हिंदू की माता जी है और पिक है हमारे नाम तो मुस्लिम है जो बोल उन्होंने जो है वो पोस्ट किया लेकिन मंगल पांडे वो वाज अ सोल्जर हिंदू सोल्जर था मंगल पांडे बेसिकली ही रिफ्यूज्ड एंड ही वाज एग्जीक्यूटेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ जो हमारी बात नहीं समझ रहे हमारा कोई काम नहीं देना तो वो ध्यान मंगल पांडे और नाइटिस वजह से राइट स्टार हुए थे यू नो वॉट स्टार कैसे हुई नंबर वन रीजन है मंगल पांडे रिफ्यूज री स्टार्टेड एंड ही बेसिकली वर एग्जीक्यूटेड आपको पता होगा ये पहला था नहीं मंगल पांडे से आप स्टार्ट करोगे सवाल में ठीक है उसके बाद राइट्स हो गए थे इलाहाबाद मेरठ वगैरह लखनऊ उत्तर प्रदेश सारे एरिया को सैक कर लिए गए कंपेयर कर लिए गए ब्रिटिश लॉ कंट्रोल फिर आते हैं डॉक्यूमेंट ब्लैक 1852 में लॉर्ड डलहौसी ने एक लॉ लिखा है ये वो लैंड ग्रैबिंग स्कीम लैंड ग्रैबिंग स्कीम यहाँ पर बहुत सारे लैंड ग्रैबर्स हैं हमारे प्रदेशों आपको पता है बहुत सारे कराची में लाहौर ठीक है लैंड ग्रैबिंग डलहौसी का लैंड ग्रैबिंग स्कीम ऑफ ब्रिटिश उन्होंने कहा लॉर्ड डलहौसी का 1852 में उसके मेरे दो मेल हुए अगर मेल में इसका लड़का नहीं है तो उसकी प्रॉपर्टी उसके लैंड उसके एरिया से लैंड ले लिया जाएगा अगर आपका लड़का नहीं है बट जिनके लड़के थे भी उनके भी उन्होंने लैंड लिए थे ऐसा नहीं है ब्रिटिश डिस्ट्रीब्यूशन वॉन्टेड एंड फ्यूज साथ ही पुरानी टीचिंग मुस्लिम हैड इनकम्प्लीट नॉलेज ऑफ कुरान
कि शिया सुन्नी का मसला अपने दाद से इसलिए हो रहा है कि दे हैव इनकम्प्लीट नॉलेज ऑफ कुरान. वो कहते हैं हम सही हैं, वो कहते हैं हम सही हैं ना, तो इनकम्प्लीट नॉलेज के दैट्स व्हाई वी वांटेड टू रिवाइज ना. अब इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन का सवाल आता है शाहरीला की, एक्सप्लेन द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ शाहरीला. वैसे तो सारा मिला के भी आता है, सिंगल रिपोर्ट मिला के भी आता है, वो भी मैं कराऊंगा. अब सवाल आएगा एक्सप्लेन द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ शाह वलीउल्लाह. तो सबसे पहले आप बताएंगे कि इन्होंने कुरान को ट्रांसलेट किया था पर्शियन में, और ये दो बेटों ने शाहिद ने उर्दू में ट्रांसलेट किया था. इन्होंने ब्रिटिश को भी अपोज किया था, इन्होंने हिंदू प्रैक्टिस को अपोज किया है. वी अपोज हिंदू प्रैक्टिस जिसने हमारी जिंदगी में डिस्ट्रक्शन पैदा की है, खराबियाँ पैदा की है. तो वी वॉन्टेड टू एम्फेसाइज ऑन इस्लाम. इस्लाम फैलाने के लिए उन्होंने क्या किया, वी रोड 51 बुक्स. 51 बुक्स जिसमें लोगों के नाम याद कर लें, हुज्जत अल्लाह अलबालिगा, हुज्जत अल्लाह अलबालिगा, इज़ालत अख्वा. बुक्स के नाम याद कर लिया गाइस, लेट्स रिपीट, ठीक है, लेट्स रिपीट. हुज्जत अल्लाह अलबालिगा, हुज्जत अल्लाह अलबालिगा, हुज्जत अल्लाह अलबालिगा, हुज्जत अल्लाह अल्बालिगा, अल्बालिगा, हुज्जत हुज्जत अल्लाह अल्लाह अल्बालिगा, अल्बालिगा. नेक्स्ट बुक इज़ालत इज़ानत 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 अफ़ा इज़ानत अफ़ा. वेरी गुड, सो लो कंप्यूटर परमिशन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्लास. तो बुक के नाम याद करना बहुत जरूरी है. थोड़ी उसके बाद आगे आप, अच्छा इन्होंने बैटल ऑफ पानीपत के लिए लेटर्स लिखे थे, ही रोट लेटर्स टू द मुगल्स, डिफरेंट नवाबों के साथ लिखे थे. शाह वली उल्लाह मराठा के खिलाफ काम किया, मराठा कौन थे, हिंदू हिंदू तो दे हैड इस्लामिक, वो इस्लाम के खिलाफ काम कर रहे थे. तो बैटल ऑफ पानीपत लिखनी होगी यहाँ पर 1761 बैटल ऑफ पानीपत, अहमद शाह अब्दाली डिफीटेड मराठा बिकॉज शाह वली उल्लाह ने ही लेटर लिखा था अहमद शाह अब्दाली को. तो बैटल ऑफ पानीपत जो हुई है अगेंस्ट मराठा इस्लाम ही वांटेड टू स्प्रेड इस्लाम फॉर क्राइस्ट. क्राइस्ट इज द फर्स्ट, हमारा फर्स्ट किया पिलर ऑफ इस्लाम. सो ही वांटेड टू एम्फसाइज ऑन पिलर ऑफ इस्लाम, नमाज रोजा ज़कात. तो देखिए हाल ही में उन्होंने कहा था क्राइस्ट मूवमेंट आपने यूनिवर्सिटी स्टार्ट की थी, ही वांटेड के मुस्लिम पे इंटरेस्ट करें इस्लाम के प्रैक्टिस के लिए, पिलर ऑफ इस्लाम को फॉलो किया जाए. तो ये रीजन था नंबर टू. ये रही है तो क्राइस्ट मूवमेंट का हो गया. नंबर टू रीजन ये था हाई टैक्सेस, ब्रिटिश ने हाई टैक्सेस इम्पोज किए हुए, ब्रिटिश ने हाई टैक्सेस इम्पोज किए हुए गाइस. तो टू अपोज देम हाजी शरीफुल्लाह ने ब्रिटिश के हाई टैक्सेस को भी अपोज किया. ये पॉइंट आप लोग नहीं लिखते हो, मैंने मोस्टली देखा है कि स्टूडेंट डोंट राइट कि हाई टैक्सेस वर अपोज बाय हाजी शरीफुल्लाह ऑफ ब्रिटिश. ब्रिटिश के हाई टैक्सेस को अपोज किया गया था और उस वक्त जो स्टेट था वो दारुल हर्ब बन गया था. व्हाट वाज दारुल हर्ब, कोड मार्क में लिखिए व्हाट वाज दारुल हर्ब, व्हाट वाज दारुल हर्ब, व्हाट वाज दारुल हर्ब. दारुल हर्ब वो जगह होती है जहाँ अनइस्लामिक प्रैक्टिसेस कॉमन होती हैं, द प्लेस वेयर अनइस्लामिक प्रैक्टिसेस वर कॉमन. तो स्कॉलर्स कहते हैं कि ऐसी जगह पर मूव कर देना चाहिए, ऐसी जगह से आप माइग्रेट कर लो जो खिलाफत में भी हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर दारुल हर्ब होगा. ठीक हो गया. तो दारुल हर्ब क्या होता है, इस्लामिक प्रैक्टिस ड्रिंकिंग गैम्बलिंग जो कि सिंपल एक्टिविटीज है, अनइस्लामिक प्रैक्टिसेस आर कॉमन. दैट्स व्हाई ब्रिटिश एग्जाइल बिकॉज़ ही क्रिएटेड लॉट ऑफ डिफिकल्टी. इन्होंने काफ़ी डिफिकल्टीज पैदा की, ब्रिटिश ने इनको ढाका में एग्जाइल कर दिया, ढाका भेज दिया. उसके बाद उनका बेटा था जिसको कहते हैं मोसिनुद्दीन, हिज सन मोसिनुद्दीन इज ऑल्सो कॉल्ड दादू मियां, उसको दादा जान भी कहते हैं, दादू मियां. दादू मियां वाज द सन ऑफ हाजी शरीफुल्लाह, हिज रियल नेम वाज मोसिनुद्दीन. सो ही स्टार्टेड प्राइज मूवमेंट अगेन, अपने वालिद साहब की प्राइज मूवमेंट इन्होंने कंटिन्यू की और
पहले मूवमेंट के आदमी इस्लाम को बनाएंगे, इन्होंने खलीफा बिठाए डिफरेंट टाउन में, मौसम ने क्या किया खलीफा बनाए डिफरेंट डिफरेंट उलमा को बिठा लिया कि आप इस्लाम खिलाओ, नंबर वन। नंबर टू, इन्होंने ई एंड इवन फर्दर मोहसिन उद्दीन ने पहले मूवमेंट किया लेकिन उन्होंने जिहाद भी कॉल कर दी कि आज पर जिहाद, और जिहाद स्टार्ट कर दिया, जिहाद स्टार्टेड बट ब्रिटिश अरेस्टेड है, ब्रिटिश ने कहा जिहाद करोगे चलो बेटा अरेस्ट, तो ही वॉज अरेस्टेड, मोहसिन उद्दीन वॉज अरेस्टेड एंड इम्प्रिजन्ड बाय ब्रिटिश बिकॉज ही स्टार्टेड जिहाद, जिहाद का मतलब है वॉर स्ट्रगल, आर्म स्ट्रगल, तो ब्रिटिश ने इनको अरेस्ट कर लिया और इम्प्रिजन कर लिया। फिर आते सैयद अहमद बरेली, सैयद अहमद बरेली है ये मशहूर है जिहाद मूवमेंट के लिए, सैयद अहमद बरेली जिहाद मूवमेंट याद रखिएगा, बरेली साहब जिहादी, बरेली जिहादी इस तरह से याद रखिए, तो याद रहेगा जिहाद, तो लिखिएगा बाई जिहाद मूवमेंट वॉज स्टार्टेड सेवन मंथ में, बाय जिहाद मूवमेंट वॉज स्टार्टेड, बाय जिहाद मूवमेंट वॉज स्टार्टेड सेवन मंथ, रिफॉर्मर्स जरूर आएंगे इस साल, रिफॉर्मर्स एंड मोहम्मद क्वेश्चन नंबर टू में इनके सवाल होंगे, क्वेश्चन नंबर टू में, क्वेश्चन नंबर टू ए बी सी सेक्शन वन से ही आएगा, क्वेश्चन नंबर टू विल बी फ्रॉम सेक्शन वन, तो मोगल एम्पायर रिफॉर्मर्स आप देखोगे क्वेश्चन नंबर टू में। अच्छा जिहाद मूवमेंट वाज स्टार्टेड बिकॉज सिख जो है सिख लीडर था रंजीत सिंह, रंजीत सिंह वाज अ ट्रू रूलर ऑफ पंजाब, रंजीत सिंह ने पर्दा बैन करा था, रंजीत सिंह ने इस्लाम बैन किया था पंजाब में, ही वॉज अगेंस्ट इस्लाम, इसने कहा था कि भाई मस्जिदें भी इसने बंद करवा दी थी, मस्जिदों को घोड़े खड़े करने की जगह हॉट स्टेबल बना दी, मॉस्क वर कन्वर्टेड टू हॉट स्टेबल, तो रंजीत सिंह ने इस्लाम के खिलाफ मस्जिदें ब्रेक करवा दी, डिस्ट्रॉय करवा दी, अजान बैन की उसको अजान मना कर दी थी पंजाब में, ये जो बच्चा हमारे लाहौर वाले इसकी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं हिस्ट्री ऑफ पंजाब, ये पंजाब में सिखों ने रूल किया, तो तभी इन्होंने जिहाद स्टार्ट किया था, एंड ऑफकोर्स फॉर इस्लामिक पॉलिसी जो थी वो टारगेट इस्लामाइजेशन आए, इस्लामिक पॉलिसी आए, इस्लाम स्प्रेड हो, दैट्स व्हाई स्टार्टेड जिहाद मूवमेंट। अब इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या है, इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन ये है कि वी वांटेड टू अटैक ऑन रंजीत सिंह आर्मी, इन्होंने काम किया गया रंजीत सिंह की आर्मी पर अटैक किया, दो बैटल ही जीते, टू बैटल्स वी वॉन, प्लीज नोट इट डाउन, बैटल ऑफ आकोरा, बैटल ऑफ सुतारा, मैटिंग इंजीनियरिंग भी आती है, लॉ भी आता है, फंक्शन भी आता है, एडिट भी आता है, रिलेशन में बड़ा काम किया, वी वॉज ऑनरेबल वर्ड सर बाय ब्रिटिश, ब्रिटिश ने इनको सर सेवन मंथ का सवाल क्या आएगा, वाई सुलेमान, वाई सुलेमान वॉन्टेड टू इम्प्रूव द लाइफ ऑफ हुसैन, वाई सर सैयद अहमद खान wanted to improve the life of Hussain, why Sir Sayyid Ahmad Khan wanted to improve the life of Hussain, seven marks, kyun woh chahte the ki musalmanon ki life mein tabdili aaye, because number one he introduced a legal movement, is sawal mein jab bhi koi sawal aaye seven marks ka inquiry Sir Khan ka he must make sure a legal movement is made in him, a legal movement kya tha ब्रिटिश मेन रीजन है और भी रीजन है, सबसे पहले मुझे कॉन्विंसिंग द ब्रिटिश,
उन्होंने कहा था पॉलिटिक्स में आओ बिकॉज ऑफ टू रीजन मुस्लिम लीडर्स
कांग्रेस वॉज हिंदू डोमिनेंट, कांग्रेस में मेजोरिटी हिंदू होते थे, वो हिंदुओं की बात करते थे, मुसलमानों की बात करने वाला, उनके व्यूज को प्रोटेक्ट करने वाला कोई नहीं था। नंबर टू, हिंदू वॉन्टेड बंगाल पार्टीशन रिवर्सल, मुस्लिम लीग पाकिस्तान के लिए नहीं बनी थी उस वक्त, मुस्लिम लीग वॉज नॉट मेड फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान की बात फर्स्ट टाइम अहमद अली ने 1933 में की थी, 1906 में उन्होंने पाकिस्तान की बात कर दी, एग्जाम में बोलेगा ही हैज नो नॉलेज, पाकिस्तान की बात अभी नहीं करनी, 1936 में नहीं कर सकते पाकिस्तान की बात। तो बिकॉज हिंदू स्टार्टेड कोएलिशन मूवमेंट, शी वांटेड टू स्टॉप इट प्रोटेस्ट बिकॉज इट वाज अगेंस्ट वो और चाहते थे बंगाल पार्टी रिवर्सल हो जाए, बिकॉज हिंदू वांटेड बंगाल पार्टी रिवर्सल। और British were now supporting Muslims. Why? Because British were now supporting us. British were supporting Muslims. अगर British हमें support नहीं करता तो हम party नहीं बना सकते। आप आज नारे लोग नहीं party नहीं बना सकते, बना के जाओगे पाकिस्तान में party नहीं बना सकते। British ने उसका हमें allow किया तो हम मुसलमानों को अपनी party बना दो। Very good. क्यों allow कर दिया? हिंदुओं से British मिला तो they came closer to us. हिंदुओं से नाराजगी की भाई वो cotton चला रहे हैं, बिल्डिंग कर रहे हैं, चाहते हैं कि आपको परेशान करें ताकि आप सेल में फोटिंग में परेशान हो। टाइम इज मनी, टाइम लाइन करना तो जो आता है वो करो, दुनिया में होगा तो मोल्डन इनको चार पॉइंट आज याद करी जाएंगे। आई सी इंटीरियर काउंसिल नंबर वन, आई सी का याद करो, शॉर्ट फॉर्म लिख लो भाई आई सी, एग्जाम में कोई फॉर्म लिखे लेकिन याद करवा रहा आई सी, आई सी ये
अभी और टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट जो फॉर्म्स है, टाइम टाइम पर सवाल आएगा, सवाल लिखिएगा, बॉस एम्बेसडर मैजिक है, बॉस एम्बेसडर मैजिक है, बॉस एम्बेसडर मैजिक है, बॉस एम्बेसडर मैजिक है, 1990 द सोल कॉज ऑफ वायलेंस, द सोल कॉज ऑफ वायलेंस, बॉस एम्बेसडर मैजिक है, द सोल कॉज ऑफ वायलेंस बिटवीन 1919 to 1920। बड़ा प्यारा सवाल है, मोस्टली बच्चे होते हैं सवाल है, सबसे पहले वायलेंस स्टार्ट कैसे हुई, मोंटेग्यू चैंसलर रिफॉर्म्स, मोंटेग्यू चैंसलर रिफॉर्म्स 1990, इसको डायरेक्टली सिस्टम भी कहते हैं, कौन से कॉल्ड डायरेक्टली सिस्टम, इसको डायरेक्टली सिस्टम भी कहा जाता है, डायरेक्टली मतलब होता है नंबर वन डाई टू, डाई का मतलब है दो सब्जेक्ट में आएंगे, एक है रिजल्ट सब्जेक्ट, एक है अरेस्ट करेगा, अगर आप बड़ी इलाके को बिठा दो अरेस्ट करेगा। नंबर टू, ब्रिटिश में इंग्लिश
तो एक्साइल करना भी पनिशमेंट होगी, तो अरेस्ट कर लेंगे ब्रिटिश आपको, ब्रिटिश आपको प्रेजेंट कर देंगे, ब्रिटिश आपको एक्साइल कर देंगे। तो ये लॉ ऐसे खिलाफ जब प्रोटेस्ट किया बहुत राइट हुए, और फिर हंटर कमेटी बनी थी, तो अमृतसर में रहकर हंटर कमेटी कौन हाथ में आएगा, बहुत बहुत हंटर कमेटी, हंटर कमेटी बहुत इन्वेस्टिगेशन कमेटी इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में इन्वेस्टिगेशन उसको जब डायल है वो गोली मारी 1200 लोगों को मारा है उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन हो रही है, बट ही वाज नॉट पनिश्ड। Lenin Diary was not punished and was basically made a legal title of British. British का बड़ा अच्छा काम किया, मजा आ गया। 1200 लोग मार दिया, क्या बात है, बिल्कुल सही है। ये तो अच्छा काम किया, फिर आई गिरे बोल। हमें क्या कहते थे, माइक्रोस्कोपिक पॉपुलेशन। हमें इंटीग्रेट कर लिया पता, ये रेलिटी है, हमें बाजार नहीं करा। ये तो रेलिटी है। तो रिवर्स में हमने देख के हमें किस आदर लगा लगे। तो जब आपको इंग्लिश में आने ना आ आज हमें मेंटेलिटी है कि हमें इंग्लिश नहीं बोलते, अरे भाई ये मतलब आ जाएगी, सुन ही नहीं रहा। तो पर हम बैठे हैं, आप शुरू करें, बस बिस्मिल्लाह करें। ब्रिटिश ने Because Turkey was only Islamic country in the whole Europe. Now British wanted to divide them. British wanted to basically make them weaken, and they wanted to make them weaker. The Treaty of Sevres was imposed. Causes of Khilafat movement were because of Treaty of Sevres. यहाँ से सवाल स्टार्ट करना होता है. शुरू नहीं होने के तरीके मुसलमान का तरीके ये तरीके हो. Number one reason is Treaty of Sevres. Number two. टर्की ने सपोर्ट की जर्मन को, बट टर्की सपोर्टेड जर्मन अगेंस्ट ब्रिटिश। टर्कियों ने सपोर्ट किया था जर्मन को इन वर्ल्ड वॉर वन। सो ब्रिटिश वांटेड टू टेक रिवेंज फ्रॉम पुश, ब्रिटिश वांटेड टू टेक रिवेंज फ्रॉम टर्की। इसने खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट की, खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट इसलिए क्योंकि दो भाइयों ने तीन इस वजह से देखोगे कि टू ब्रदर्स मौलाना मोहम्मद अली जौहर, ये दोनों अली ब्रदर्स थे ना, अब्दुल सलाम आजाद और आजाद आजादी, अभी हम गुलाम हैं। भाई मैंने गुलाम, मैंने मैंने क्या बोला, आजाद नहीं, अभी हम गुलाम हैं, तो गुलाम दूसरे बंदे का नाम। ये सारे कांग्रेस के साथ थी खिलाफत मूवमेंट में से मुस्लिम लीग ली थी, सपोर्ट किया था खिलाफत मूवमेंट, लेकिन बाद में बिट्रे कर दिया था, बाद में मना कर दिया था, बिट्रे कर दिया था। गांधी वो बहुत बोले, गांधी सपोर्टेड की आइडिया की बॉडी यार को ऐसी बॉडी चाहिए गांधी जैसी, डिवाइड करी एंड मुस्लिम वांटेड टू स्टॉप दिस डिवीजन, मुस्लिम वांटेड टू अपोज दिस, मुस्लिम वांटेड टू अपोज ट्रीटी ऑफ सेवरेस, मुस्लिम वांटेड टू प्रोटेक्ट इस्लाम। खिलाफत का मतलब होता है खलीफा, हमारे इस्लामिक रूल का बल्कि में वी रिस्पेक्ट दैट। और खिलाफत सिस्टम पूरा ऑटोमन एम्पायर में मक्का मदीना टर्की ये सारे स्टेट जो थे वो खिलाफत की हमारी, तो इट वॉज वेरी रिस्पेक्टफुल फॉर अस, तो दैट्स व्हाई खिलाफत मूवमेंट फेल। तीन कॉन्फ्रेंस हैं खिलाफत कॉन्फ्रेंस हैं, तीनों फेल हो गई हैं। सवाल आता है हाउ सक्सेसफुल वर खिलाफत कॉन्फ्रेंसेस बिटवीन 1919 टू 1922, हाउ सक्सेसफुल वर खिलाफत कॉन्फ्रेंसेस बिटवीन 1919 टू 1922। ये तो आसान है, मुश्किल है। फर्स्ट वाली 1919 में हुई है, और इसमें जो है वो इसलिए ये एग्री हुआ था कि गांधी का सपोर्ट है, गांधी हमें सपोर्ट करेगा, बट ही बिटरेड अस, गांधी
use our platform for his own advantage, for his own benefit, and he demanded self-rule, Swaraj. Swaraj कहते हैं हिंदी में self-rule को. गांधी started self-rule, Swaraj. Swaraj का वर्ड यूज किया उसने. ये उसने वहाँ पे खिलाफत की बात नहीं की, उसने वहाँ तरक्की की बात नहीं की, उसने क्या बात की, मुझे अपना रूल चाहिए. तो ही प्लेड हिज ओन पॉलिटिक्स, उसने अपनी सियासत समझाई, उसने हमें हेल्प नहीं की. तो फर्स्ट खिलाफत कॉन्फ्लिक्ट मेड बिकॉज गांधी डिड नॉट सपोर्ट अस. बेसिकली ही केम हियर, ही अटेंडेड द खिलाफत, ही डिड नॉट सपोर्ट अस, ही बेटरेड अस, ही स्टार्टेड सेल्फ रूल. नंबर टू, खिलाफत मूवमेंट टू. दूसरे खिलाफत मूवमेंट में ये क्या हुआ था, गांधी विल टेक द लीड, गांधी विल बी देयर, गांधी विल हेल्प अस. तो फलाना, बट गांधी डिड नॉट हेल्प अगेन. गांधी बिलोंग टू कांग्रेस, तो कभी भी हमारे के बाद नहीं करेगा. सेकंड में भी, सेकंड खिलाफत कॉन्फ्रेंस में गांधी ने हमारी हेल्प नहीं की, ही डिड नॉट सपोर्ट अस. फिर हमारी ये बात हुई, उसके बाद मौलाना मोहम्मद अली जौहर वेंट टू यूके. जो मौलाना दो भाई थे, शौकत अली मारूफ से एक भाई, मौलाना जौहर अली, मैं कहता हूँ गुलिस्तान जौहर से यूके गए थे. जौहर अली गुलिस्तान जौहर से यूके गए थे, याद रखने के लिए. जौहर अली वेंट टू यूके एंड ही मेट ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जॉर्ज लॉयड. हमने कहा कि प्लीज आप खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत नहीं करें, आप डिवाइड ना करें तुर्की को, तुर्की को जो हमें इस्लाम है वो एंड ना करें आप. लेकिन सरकास्टिकली ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने कहा तुर्की वुड गेट जस्टिस, ट्रिकी टेरिबल जस्टिस. ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम तुर्की को जस्टिस देंगे, तुर्की को ब्रेक करेंगे, तुर्की को डिवाइड करके ही रहेंगे. ब्रिटिश बहुत डिटरमिन्ड है कि उनको डिवाइड करना ही करना था. ब्रिटिश कहते थे जो हमारे मुंह से अल्फाज निकल गए वो हो गया. ट्रीटी ऑफ सेवरेज उन्होंने पोस्ट कर दी. फिर खिलाफत मूवमेंट वर्ल्ड में मुसलमानों ने और हिंदुओं ने नॉन मुस्लिम मूवमेंट स्टार्ट कर दी. राइट्स हो गए, 50,000 प्रिजनर्स हो गए, 30,000 लोगों को ब्रिटिश ने जेल में डाल दिया. जो जो खिलाफत से बिना नहीं गए, जिन्हें वॉज नॉट देयर, जिन्हें किसी भी नॉन कॉपरेटिव मूवमेंट का पार्ट नहीं रहे, जिन्होंने कभी प्रोटेस्ट नहीं किया, जिन्होंने कभी एक ही दफा करेगा कोई इंडिया मूवमेंट नहीं, डायरेक्ट एक्शन भी सॉरी आज हमको कोई चीज नहीं होता. हम फॉरन महामारी को दबाते हैं, हमारी कौम की ऐसी है. जिन्होंने कभी भी टायर नहीं चलाया, जिन्होंने कभी भी रोड बंद नहीं किया, कभी प्रोटेस्ट नहीं किया, तो पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं कि भाई वहीं से कोई बात करनी इस तरह से. तो जिन्हें वॉज नॉट पार्ट ऑफ खिलाफत, जिन्होंने पहले कह दिया खिलाफत मूवमेंट बिल्कुल अकेले, जिन्होंने पहले कह दिया था खिलाफत मूवमेंट क्लियर होगा, बाकी क्लियर होगा, ये होता लीडर, ये होता है कि लास्ट पहला और आखिरी लीडर का मतलब जिना उससे अच्छा कोई लीडर मिला ही. वो लीडर पहले बता देता क्या करना है. फिर सवाल लिख लीजिए, सवाल लिखो ना दादा, बातें नहीं करो. गांधी इज बेटर, वो गांधी बेटर द मेन इंपॉर्टेंट फॉर द खिलाफत मूवमेंट इज वो डिक्लाइन नहीं होगा वो बात. गांधी बेटर वो गांधी बेटर द मेन रीजन वो गांधी बेटर है. गांधी ने गद्दारी की थी हमसे, नहीं बोला दादा नहीं बोला आपका और नंबर थ्री रीजन आ जाएगा मौफला अपराइजिंग. 10,000 मौफला ने अटैक किया ब्रिटिश पर, उससे 4,000 लोग मारे गए. 10,000 मौफला से 4,000 ब्रिटिश ने किल कर दिए. मौफला एक बॉम्ब है, वेरी गुड. तुम बाहर निकलो जरा. मुस्लिम ने कहा यहाँ पे चले जाओ, यहाँ पे मूव कर जा रहे हैं. तो पीपल माइग्रेटेड टू अफगानिस्तान, लेकिन अफगानी ने एंट्री रिफ्यूज कर दी, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, तो वो भी हिजरत मूवमेंट भी डिक्लाइन. हिजरत मूवमेंट हो गया डिक्लाइन, मौफला अपराइजिंग हो गया. एक था चौरी चुरा एक विलेज था जहाँ पे 21 पुलिस पर हमने किल किए. इन चौरी चुरा विलेज एक मुस्लिम रेस्क्यू के 21 पुलिस पर हमने 21 पुलिस वालों को जो है ना किल किया था, क्योंकि बहुत वायलेंस हो रहा था, प्रोटेस्ट हो रहे थे, खिलाफत मूवमेंट चला था, उसके दौरान ये मामला हो रहे थे. फिर दूसरा कमाल जो है और अपना पपेट लेके आ गया मुस्तफा कमाल, और अब तुर्की में देखिए वहाँ पे वेस्टर्नाइज्ड कल्चर है, शराब वगैरह काम है, डांसिंग.
खिलाफत बहुत अच्छी दुनिया में खिलाफत का रोल है कि हमारा उलमा वो जगह खड़ा हो इतनी इम्पोर्टेंट जगह है तो मुस्तफा कमाल का कोई एबॉलिश खिलाफत मतलब इतना बड़ा इंसान होगा जो अल्लाह का रूल मिटा रहा है शरीयत लॉ मिटा दिया तुर्की में तुर्की में जो शरीयत लॉ है वो मिटा दिया गया एरिया लॉ खिलाफत मूवमेंट 1927 साइमन कमीशन पढ़ेंगे साइमन कमीशन 1929 14 पॉइंट ये तीनों डिपार्टमेंट एक साथ ही सवाल आएगा और इस साल इकट्ठे सवाल है साइमन कमीशन नेहरू रिपोर्ट बिना पॉइंट का 14 मार्क्स में सवाल आ सकता है या 7 मार्क्स में आएगा वाई गुना 14 पॉइंट मेरे नंबर से और वाले सवाल 4 मार्क्स में आते हैं वाई वाले सवाल 7 या 14 में आते हैं नॉर्मली 7 में आते हैं कि वाई गुना ये वाई गुना 14 पॉइंट नंबर वन की बराबर रखी है कि स्टार्ट करने की कहानी आपको 1927 में साइमन कमीशन से लिखा हुआ है यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम साइमन कमीशन 1927 में सेवन साइमन कमीशन इंग्लैंड से आया इसमें सेवन ब्रिटिश मैन थे नन ऑफ देम वर इंडियन इंडियन कोई नहीं था जिन्होंने इंसल्ट की थी जिन्होंने कहा कि हमारे लिए लॉ बनाने आते हो साफ लोग वहाँ से आए लॉ बनाने के और नन ऑफ देम वर इंडियन इंडियन आई तो जिन्हें कहते हैं हमारे लिए लॉ बनाते हो लेकिन वी आर नॉट देयर हमें बुलाते भी थे काम ही नहीं था वो कौन है गांधी ने भूख हड़ताल कर दी गांधी ने प्रोटेस्ट कर दिया जिन्होंने रिजाइन कर दिया अपना इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से जिन्होंने रिजाइन कर दिया प्रोटेस्ट जिन्हें इस तरह के प्रोटेस्ट कर रहे थे रिजाइन कर दिया ये इस तरह के प्रोटेस्ट होते हैं ये गांधी क्या करता था और ऑलरेडी वो प्रोटेस्ट करता था फायर हो रहा है आग लगा रहा है राइट हो रहा है तो साइमन कमीशन वालों को इंडिया में साइमन जब आया तो उसको नारे लगे गो बैक साइमन साइमन तुम यहाँ पे जाओ तुम लोग जब आते हो हमारे खिलाफ लॉ बनाने क्योंकि साइमन कमीशन ऑलवेज मेक लॉज अगेंस्ट था इन्होंने हमेशा हमारे खिलाफ लॉ बनाया तो साइमन कमीशन वेंट बैक एंड दे कुड नॉट मेक अ लॉ हमने बहुत प्रोटेस्ट किया उसके बाद नेहरू की रिपोर्ट आ गई नेहरू रिपोर्ट आप याद करके जाएंगे बहुत आसान तो वह लास्ट तुम्हारे मोबाइल की शहादत है नंबर वन पॉइंट मुझे बताएं कांग्रेस का एजेंडा क्या था कांग्रेस का एजेंडा क्या था दे वांटेड सेल्फ की और सेल्फ को कैसे मिलेगा मेजोरिटी की हिंदुस्तान में हिंदू कहते थे हिंदुस्तान हमारा हिंदू कहते थे कि हिंदुस्तान हमारा है हमारे बाप का हिंदुस्तान है मुझे बोलो लैंड ऑफ थे बोलो नवाब थे बोलो हिंदू थे इंफ्लुएंशियल थे पार्ट से जानो राइट ना तालीम में है ना कोई जमीन है ना कोई जायदाद है ना कोई कोच है ना कोई लीडर है कैमरा चला गया वैक्सीन की गाड़ी है मेजॉरिटी कैमरा पर नहीं बचे 80% 90% मेजॉरिटी अब ऐसे पहला पॉइंट याद हो गया मेजॉरिटी सीट पर गेम टू हिंदू नंबर टू का याद रखे नए पॉइंट नंबर टू हिंदी लैंग्वेज होगी उर्दू खराब हिंदू रिपोर्ट है ना हम हिंदू को फेवर करेंगे हिंदी लैंग्वेज होगी बासेल है देयर इज नो स्टेट रिलीजन बासेल क्या है इंडिया होगा तो क्या रिलीजन नहीं होगा लेकिन जब मेजोरिटी से आपके पास होगी तो रिलीजन भी आप देयर इज नो रिलीजन हिंदुस्तान में कोई रिलीजन नहीं होगा लेकिन कैसे नहीं होगा आप मजहब तोड़ोगे क्या मजहब तोड़ोगे क्या वो तो हो नहीं सकता जब मेजोरिटी सीट जब ले लेंगे तो लॉ भी अपना बनाएंगे और मंदिर को प्रमोट करेंगे जैसे बंदे मातरम पढ़ेंगे भी आगे वर्दर स्कीम पढ़ेंगे कांग्रेस टायरेंगी सर आगे पढ़ेंगे ना आगे बताएगा सीटें कैसे नहीं बना जाता अभी कहने के लिए नो रिलीजन सही है तो ये पॉइंट याद हो गया फिर आ जाए जिन्हें के पॉइंट कोई बात नहीं थैंक यू पूछो जब मैं यहाँ बैठा होगा ना उधर कोई नहीं बैठा होगा तो टेस्ट होगा तो मैं छापने में आसानी होगी अब दोनों तरफ इसका विषय और उसका विषय तुम्हारी तो वैसे भी तैयारी है जिना का पहला पॉइंट याद कर दे वांटेड टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज आसान का पॉइंट है पढ़ सुनिए जिना माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करना चाहते थे नंबर वन नंबर टू जिना हमेशा 1/3 सीट मांगते थे जिना ऑलवेज वांटेड 1/3 सीट फॉर देम इन मेरी क्लास में कितने बच्चे आते हैं जो हमें एक सीट तुम्हारे जो भी चाहिए राइट 1/3 सीट करेंगे भाई 3/4 का पॉइंट आ जाएगा 3/4 बंगाल ये 5 सूबे हमारे मेजोरिटी एरिया पाकिस्तान में
ये भी एक नॉन कॉर्पोरेटिव मूवमेंट थी ना, सॉल्ट निकाला था मंदिर से, कुछ जाके बाप बन गए थे, ब्रेड अच्छे हो गए थे। तकरीबन 1929-1930 में गांधी स्टार्टेड एनदर नॉन कॉर्पोरेटिव कर रहे हो उसको नहीं टूटे रोजा टूटता जब आपको कहते हैं अलग से कुछ बाहर की चीज़ अंदर निकले, ऐसा नहीं होता कि आपने थूक भी रहता है टूट से रोजा नहीं टूटता, जो बाहर की चीज़ अंदर जाएगी वो कुछ नहीं आता गांधी ने 24 डेज तक मार्च किया। 24 डेज तक इलाहाबाद एक बीच है वो सॉल्ट नाम का मधु था, वहाँ रोकते थे वो प्रोटेस्ट किए फॉर 24 डेज। ये अब एक ही लिखा है एस का इंतजार मेरे भाई ने अलग अलग कहा है। गांधी का अंदर जाना हमारे लिए नहीं बात, मेरे क्या कि हमारा जो ऑपरेंट है वो अंदर रहेगा, लेकिन नेहरू से लोग काम कर रहे हैं, नेहरू काम कर रहे हैं सारा कुछ है, लेकिन जब लीडर अंदर जाते हैं तो पॉपुलैरिटी कम हो जाती है, लोग पसंद नहीं करते। नेहरू को अरेस्टेड, अब हम राउंड टेबल कौन है, राउंड टेबल कौन पढ़ेंगे, राउंड टेबल 2 एंड 3। 1930, 31, 32 30 में पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, ब्रिटिश ने हमें इन्वाइट किया, आज दो दिन आ गए यही ब्रिटिश हमें लंदन बुला रहे हैं, जाकर हमने ही पढ़ा है। I get my BA and MBA from England. So invitation आ गई है तुम्हारा वो कि भाई सर ने फ्लेक्स कर दिया भाई, कोई बात बताओ सर का सर सही दमन समझ नहीं आ रहा था, ये क्या समझ आया सर सर दमन समझ कैसे बोल रहे हो समझ आ रहा है सर, ये बात मान सर नोट करते हैं तो देखो हाँ देखो एग्जैक्ट सर सही दमन समझ नहीं सर दमन समझ गांधी वॉज खान वॉज गांधी नहीं था उस कॉन्फ्रेंस पे सजीव खान मोनिया मोहम्मद
ना गांधी का खुतराल था ना ये काम कर ले भाई सुतराल है मेरा उतार के दो मेरी वॉच ये यूट्यूब पे डालूंगा कितना अच्छा लग गया उतार के दो मेरी वॉच अबे सुट्टे नहीं मारूं बेटा पहली बात रमजान है दूसरी बात रोजा तीसरी बात झूठ बोलने भी बोला चौथे बात मैं रोजा तोड़ूंगा चुप रहना भाई यूट्यूब पे डालूंगा ना जिसके भी आपने कहा सुनी वो था गुलाम नबी छोटा डॉन तो गांधी का मतलब है कि वोट ले जाने का मकसद ये है कि मैंने पिक्चर भी दिया आपको कोर्ट में यूनिवर्सल दर्ज टुडे बना लेते हैं ग्रुप फॉलो कर रहे थे उसको ग्रुप पे बात चलेंगे तो एच एम ओ एस के सपोर्ट कर रहे हैं कह रहे हैं यार ये एच के तो एच एम ओ का ग्रुप क्यों बना लेते हैं और मैं यूट्यूब पे डालूंगा ये वीडियो मैं अगर बात ये एच एम ओ और एस के को ग्रुप क्यों बना लेते हैं मजाक खुद लेकिन झूठ तो नहीं बोल रहा बना लेते मतलब कुछ बुरा नहीं और एक भी बेस्ट है अभी भी हंस रहे पता नहीं क्या होगा तुम चाइनीज में लगते हो अमेरिकन तुम सारे इतने वगैरह थे सारे इधर इतने वगैरह थे स्टार्टिंग देखते कोचिंग की जरूरत नहीं है जो मैंने कोचिंग दिया था वो भी छोड़ दिया कुछ नहीं काम की तो नहीं है ना एक दिन में दे दूँगा अगले वर्कशॉप में दे दूँगा वादा बता दूँगा यार सीरियसली आज चाहिए कल आओगे
तो आज आज चाहिए नहीं ना, कल दे दूंगा। अब कल दे दूंगा, कल आऊँगा ना उमर खान की वर्कशॉप में परसों। कोई बात नहीं, तू मेरा पता छुट्टी कर, लिखना है कि ज़्यादा लिखता है, तू नहीं लिखता तो वो भी लिखता है, इसलिए मैं स्टूल ले रहा हूँ। चलिए तुम्हारी ले रहा हूँ, तुम्हें वर्कशॉप का वैसे भी अटेंड नहीं बात करती बस कर दो भाई, तुम लोग पे कॉम्पिटिशन थोड़ी थे, सही बात है जी पी कह रहे, मैं तो कॉम्पिटिशन यार दे रहा हूँ, छोड़ो मैं नहीं कर रहा। कौन कौन है ग्रुप में चार बंदे बजे भी देगा सवाल है ना, सही है ना। तो ब्रिटिश बेसिकली तेरे का भरम चेक कर रहे हो, सुहेब सर का भरम चेक करो, पता है वो तो यार फुल स्टाइल से बैठे हैं। आर्मी पुलिस रेवेन्यू टैक्सेस मिलिट्री सारी चीजें, मीडिया सारी पावरफुल डिपार्टमेंट होते हैं वो ब्रिटिश के पास से, इंडियन के पास क्या वही मैंने कहा था गुजरात से। फॉरेस्ट एजुकेशन लेस पावर, कीप रनिंग डाउन द पॉइंट गाइस एट द बैक। क्लियर विजन है ना, गाइस एट द बैक सर का भरम देखो, कुछ भी नहीं देखो, अच्छी वाली वॉइस रिकॉर्डिंग हो रही है, यूट्यूब पे वीडियो डालनी यार अभी थोड़ी, अभी पिक्चर खींचूंगा ना बेटा तो फोन भी पकड़ा जाएगा, रिकॉर्डिंग डिलीट हो जाएगी, चुप हो रिकॉर्डिंग हो रही है यूट्यूब पे डालना है नहीं आ रही। अवेश पढ़ा करो, अल्लाह का शुक्र है जितने लोगों ने सब्सक्राइब किया है मेरा चैनल, सबको पता है कितना पड़ता हूँ। 1982 में से 109 सीट बहुत कम है और हम अपनी सीटों से आ रहे हैं। कराची में 12 साल सीटों से आ रहे हैं, इसी तरह 1997 के इलेक्शन में भी सेपरेट इलेक्शन से हिंदुओं के अलग अलग हुए, मुसलमान के अलग हुए, फिर भी हम लोग हार गए। मुस्लिम लॉस्ट इलेक्शन जिना वॉर बेसिकली कंप्लेनिंग फॉर इलेक्शन और रैली, लेकिन फेलियर हो गया। कांग्रेस वो मोर देवर मेजोरिटी वॉन्ट इलेक्शन वो इन्फ्लुएंशियल थे, लेकिन मुसलमानों ने मुसलमानों की वोट दिया। हम लोग इतने डिसमाइंडेड हैं, सुन्नी शिया डिफरेंट सेक्ट के ग्रुप में हमारे डिस्क्रिमिनेशन इतनी ज़्यादा हमारे मामला है कि वी वर डिसमाइंडेड एट अ टाइम एंड स्टिल वी आर इतनी डिसिनिटी हुई कि मुसलमानों ने मुसलमानों की वोट दिया। ग्यारह सूबों में से आठ सूबों में किसने बना ली कांग्रेस का
बदिया मिंदर स्क्रीन वारदा स्क्रीन और वांदे मातरम वारदा को मैंने कॉपी में वारदा स्क्रीन लिखा था। एक इत्तेफाक ही हुआ, वारदा क्लास की बच्ची उसने ना काम मांगा, मैं सेंटर को कह रही मुझे तंग करने के लिए वारदा लिखा है, मैंने वारदा को वारदा लिख दिया गलती। अच्छा फिर ठीक है, मैंने कहा उसको यही नहीं पता कि वारदा ऐसा छठा आई सेड शट, वो सब तो ठीक है भाई, लेकिन किससे अपनी मांगा किस मैं क्या करूँ भाई, उससे ओपिनियन मांगा गिफ्ट नहीं, मैं बता दूँ किसने मांगा रुको जरा। That's not a fact. That's a set. Vidya Mandir. Vidya Mandir का मतलब to promote mandirs and to stop slamming petitions. ठीक है भाई, बिल्कुल बुरा नहीं लगा मुझे। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या पता, मुझे जान नहीं है। आपका बाप, बाप हूँ मैं। आपका बाप। मॉस में ब्रिक्स को छोड़ा जाता था, जो नवाज जानवर है, नॉइस करते थे नवाज के टाइम पे, डिस्टर्बेंस करते थे, और जो मुसलमान कंप्लेन भी करता था, वो कल वीडियो बनाई थी मेरी। यहाँ पे करवाएंगे 650 लोग करवाएंगे ना, जिसमें प्रॉपर्टी सारा लॉस होगा। अरे खोल तो लो, नीचे से पीछे से पीछे से वो भी बंद कर दो, अपनी चैनल रिकॉर्डिंग हो रही है, डालनी है। गांधी ने रिजाइन कर दिया तो 8 प्रोविंसेस ने भी रिजाइन कर दिया, इस तरह कांग्रेस की हुकूमत चली। हमने अभी कम से कम 2 घंटे की बात की, मैं गारंटी कोई भी बंदा 2 घंटे तक तो जाएगा, 15 मिनट की देखने बड़ी बात है। इमरान खान ने रिजाइन नहीं दिया, मुश्किल है रिजाइन का, रिजाइन नहीं दिया, रिजाइन दिया था, नहीं दिया रिजाइन, पहले दिया था ना कि मैं रिजाइन कर रहा हूं, इलेक्शन होंगे, रिजाइन नहीं दिया। फिर क्या किया था? रिजाइन नहीं, उसके खिलाफ अदम एतमाद कर लो, उसने रिजाइन नहीं दिया। प्रेसिडेंट ने असेंबली डिसॉल्व कर, वो तो अलग बात है, रिजाइन नहीं किया, लेकिन कभी अभी भी रिजाइन नहीं किया। जब अपोजिशन में जब रिजाइन किया कि मुझे इन चोरों के साथ काम नहीं करना, पहले चोर कि हमने जो है वो कॉल किया सेलिब्रेशन कि मुस्लिम ने सेलिब्रेट दिस पॉइंट दिस डे, जब कांग्रेस ने रिजाइन कर दिया, कांग्रेस रिजाइन कर गई, जुल्म हो रहा था, प्रॉपर्टी चोरी हो रही थी, सारी चीज़ खत्म हो गई। क्या क्या हाल है, क्या हाल है अभी हमारे, अब नारा लगा बन के रहेगा पाकिस्तान। मोहम्मद अभी नेदर मदर ही मदर है, कैंपस मदर है, कैंपस देखो मदर है, मदर मदर तुम क्लास बोलो, जाओ दफो यहाँ से, गौर से देखो 9 में इसका मतलब, ओ सॉरी लॉ रेजोल्यूशन रह गया। यहाँ से पाकिस्तान की डिसीजन हो गई कि आप पाकिस्तान बना के रहेंगे, लेकिन आज से पहले हमारी जितनी भी हमारी स्ट्री थी हम राइट्स मांग रहे थे, सेपरेटी दे दो, सुबह दे दो, वन कंट्री दे दो, ये दे दो, वो दे दो, हम लोग राइट्स मांग रहे थे आज से पहले। अब हमें क्या चाहिए, हमें राइट्स नहीं चाहिए, राइट्स हम खुद दे देंगे अपने लोगों को, हमें मुल्क चाहिए पाकिस्तान, नाउ वी वॉन्ट टू बिकम मुस्लिम स्टेट पाकिस्तान। और टू नेशन थ्योरी को यहाँ सपोर्ट किया गया था, लाहौर मीनार पाकिस्तान की तस्वीर आप भी व्हाट्सएप है मेरे पास बेटा, रिव्यू कर दे मैसेज, लिंक सेंड कर दूंगा, डिलीट मैसेज है, आई लव यू, क्रिस मिशन में ये था, ब्रिटिश ने कहा कि आफ्टर द वॉर हम इलेक्शन भी करवाएंगे, आफ्टर द वॉर हम कुछ भी बनाएंगे, आफ्टर द वॉर हम आपको मेजोरिटी सीट भी देंगे, क्या बात है, अब तो आपके इलेक्शन भी कराते हैं, आपके सैलरी बनाएंगे, क्या बात है, लेकिन हमने रिफ्यूज कर दिया,
सेपरेट होमलैंड जिंदाबाद सारे मिलकर हम पागल बना रहे हैं So Muslim League rejected because they wanted Pakistan, they wanted partition. And Congress rejected because they wanted self-rule, Hindu rule. वो कहते हैं हिंदुस्तान हमारा स्वराज self-rule. हमें हिंदुस्तान चाहिए. हमें क्या कहते हैं पाकिस्तान चाहिए. हमने बहू को किरदार दिया है. बहू सास को हिंदू हिंदू में क्या करते हैं हम बहू सास. अलग हो जाती है. तो हम भी सास कौन है हिंदू हिंदू सास से हम ये मेरा टीचिंग स्टाइल कॉपी किया सर ने सारा कुछ ज्यादा टाइम ये हमारी नीति पाकिस्तान से बनी हमारी नीति हुई है हिंदू उसको मना करके लेकिन पाकिस्तान पाकिस्तान नहीं बनेगा कोई पार्टीशन नहीं होगी जीत तो हमारी है जीत तो बहुत ही हुई है ठीक है ना आज का तो ये ट्रेंड चल रहा है अच्छा खैर फिर 1942 में एक और चीज हुई थी गाइस क्विट इंडिया रेवोल्यूशन गो ब्रिटिश गो नारा लगा गो ब्रिटिश गो गांधी ने स्टार्ट किया क्विट हमने स्टार्ट की पाकिस्तान रेवोल्यूशन तो हिंदुओं ने भी स्टार्ट कर दिया क्विट इंडिया रेजोल्यूशन कि ब्रिटिश को यहां से निकालो ब्रिटिश शुड लीव इंडिया बहुत बॉम्बिंग हुई बहुत प्रोटेस्ट हुए लेकिन कंटेंपरेरी की बॉडी सेल हो गया गांधी ने क्विट इंडिया रेजोल्यूशन स्टार्ट किया क्योंकि जापान आल्सो वांटेड टू इन्वेड इंडिया जापानीज इन्वेजन होने वाली थी चांसेस थे जापान भी अटैक करना चाह रहा था क्योंकि दुनिया में वर्ल्ड वॉर 2 हो रही थी जापान भी आके अटैक करना चाह रहा था तो जापानीज इन्वेजन को आल्सो इग्नोर क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पेन गिर गया उसके बाद आज 1944 गांधी जी ने टॉक गांधी जी ने टॉक में गांधी जो है वो रिलीज हो गया जेल से और जिन्ना के रिलीज कर दिया कहते हैं कि भाई मुझे थोड़ा सपोर्ट दे गांधी वांटेड सपोर्ट ऑफ जिन्ना बट जिन्ना ने मना कर दिया कि आई वांट टू हेल्पिंग यू बिकॉज आप मुसलमान की बात नहीं करते आप माइनॉरिटीज की बात नहीं करते यू ऑलवेज टॉक अबाउट हिंदू हिंदू राइट्स और आप टूरिज्म के खिलाफ हो पाकिस्तान के भी खिलाफ हो तो जिन्ना ने मना कर दिया तो गांधी जी ने टॉक फेल्ड बिकॉज जिन्ना ने कहा कि आपको हेल्प नहीं कर सकता आप कभी मुसलमानों का साथ नहीं देते 1945 शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 शिमला कॉन्फ्रेंस लॉर्ड वेवल सवाल आएगा हु वाज लॉर्ड वेवल सेम गाने सुनाओ जो मैं बताने जा रहा हूँ हु वाज लॉर्ड वेवल बेसिकली इंट्रोड्यूस टू पॉइंट्स के मुसलमानों की एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी इंडियंस की एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी जहाँ हेड्स होंगे जिन्हें भी हेड बनेंगे और कांग्रेस के गांधी भी हेड बनेंगे हमारी जो है बेसिकली इक्वल सीट्स होंगी गवर्नमेंट में इक्वल अब इक्वल सीट में तो हिंदू नाराज हो जाएंगे मुसलमानों को इक्वल सीट नहीं मिलेगी इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया ये भी फेल हो गया क्योंकि कांग्रेस कह रहा था मुस्लिम शुड नॉट गेट इक्वल सीट फिर 1946 में कैबिनेट मिशन आया 1946 में कैबिनेट मिशन आया इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इट रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ पाकिस्तान देखें ब्रिटिश ने लॉ लिया है ब्रिटिश कह रहे हैं पाकिस्तान नहीं बनेगा पाकिस्तान को रिजेक्ट कर दिया गया लॉ आ गया मिशन में कि पाकिस्तान वाज रिजेक्टेड हमने इसको भी पोस्ट किया कि वी वांटेड पाकिस्तान एंड कांग्रेस वांटेड सेल्फ रूल फिर इलेक्शन हुए उनका गर्व है कि इलेक्शन हुए 1946 के और प्रैक्टिशन क्लाइमेट एटली थे हमारे और उसके साथ लॉ फॉर्म बैटल थे इलेक्शन करवाए और मुसलमान जीत गए मुस्लिम वॉन 91% वोट्स Muslims won 87% votes and Congress won 91%. Musliman 87% vote jeete the aur Congress jo hai wo 91% vote jeete the. Ab kya hua? Direct election day hua. Power double. Ab election mein kya lage rahe hain? Backward change kar sakta hu. Recording start. 87% vote aa gaye. Ab jinhone kaha hai struggle karenge final. Backward kya hai? मैंने ऊपर देखा है बोर्ड के अंदर वोट लगा दिया है रिंगलाइट के अंदर बोर्ड लगा है डायरेक्शन डे का सवाल आया 1946 में तो आप देखोगे कि मुस्लिम लीग पास अनदर रेजोल्यूशन इन व्हिच दे स्टार्टेड प्रोटेस्ट एंड डेमोंस्ट्रेशन अगेंस्ट बोथ ब्रिटिश एंड हिंदू ब्रिटिश और हिंदू के खिलाफ अब हमने काम करना शुरू कर दिया हमने कहा कि आज तक हम काम करेंगे मर मिटेंगे 4000 पीपल वर किल्ड इस वजह से 1947 में खुशी का दिन आया थर्ड जून प्लान
चेक करो हमारे स्कूल में ही होता है। इंडिया से चला जाएगा और पाकिस्तान इंडिया बनेगा, पाकिस्तान एंड इंडिया विल बी इंडिपेंडेंट, सिंध पंजाब बलूचिस्तान एंड डब्ल्यूएफए बंगाल पाकिस्तान बनेगा, दे जॉइंट पाकिस्तान। फिर रेड क्लिफ अवार्ड आया, रेड क्लिफ अवार्ड में क्या हुआ, सारे रेड क्लिफ थे इसमें हमारे, इसी में उन्होंने क्या किया, जमीन पे एक लाइन दे जस्ट ड्रू अ लाइन कि भाई पार्टीशन करनी है, पार्टीशन करनी है, लाइन बनाना है। और इसी वजह से हमें कश्मीर नहीं मिला, फिरोजपुर गुरदासपुर नहीं मिला, कलकत्ता नहीं मिला, ईस्ट बंगाल वॉज टू फार। देखिए ईस्ट बंगाल कितना दूर हमें दिया गया, 1000 माइल अपार्ट था, इतना दूर हमें एक स्टेट दे दिया, कम्युनिकेशन इशू थे। तो रेड क्लिफ अवार्ड वाज आल्सो फॉर बिकॉज गुरदासपुर कलकत्ता और हमारा जो है ईस्ट पाकिस्तान जिसको हम कहते हैं देयर वाज टू फार, तो इट वाज जस्ट इन्होंने इसको अपोज किया। दैट्स सेट फॉर सेक्शन 2 अलमला, नाउ वी स्टार्ट सेक्शन 3। सर खरीदा था वैसे देखे बेटा, इसका मैं लेक्चर बना के डाल चुका हूँ, मेरी रिएक्शन देख लेना आप लोग खत्म बात जाए तुम लोग क्या बोल रहे हो, गाड़ी सब्सक्राइब कर चुके और कश्मीर, बट इस बार ये क्या था
मेरा चैल भी कॉपी कर रहा है सबसे पहले पढ़ा रहे हैं कल से पहले तुम लोग पढ़ा चुके ठीक हो गया रिकॉर्ड रिकॉर्डिंग मैंने डाली है उसकी दिन की लिंक लिंक भी डाल उसको देखने में सांस दो वाली चार भी डाली सांस दो वाली एग्जाम्पल भी दी हाँ चार भी डाली यार मैंने नहीं पढ़ा ना मैंने सांस दो वाली एग्जाम्पल मैंने वहाँ देखी उसके बाद आते गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद आए स्पीड तेज हो गई एकदम से यार गुलाम नबी सर की स्पीड एकदम से बहुत तेज हो गई सेक्शन 3 स्टार्ट होते गुलाम तो पहुंच गए मुक्ता बहानी कहाँ तक पहुँचे मुक्ति बहानी तक पहुँचे भाई टेम्परेचर ऑफ बांग्लादेश में पहुँच गए अभी वहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसे गुलाम पता है ये भी सर रिजवान अगर जरा भागना शुरू हो गए सीधी बात तो सेक्शन अच्छा समझाया उसके बाद सेक्शन 1 ही अच्छा समझाया खाली 2 में पता नहीं कैसे चार्ट टाइम लगे एकदम से अगर सर 3 दिन की ऑफिस पड़ता ना सब सबको सही लेकिन टाइम नहीं ना और टाइम नहीं है बच्चे पैसे तो इतने लेते कितने लिए 2000 लिए दूसरे टीचर्स के 650 बच्चे लगाओ 2000 बातें कर लो हर एक से तो 2000 लिए ना किसी से और बहुत सारे 3000-4000 लिए ये भी दिए हम मिनिमम तेरह लाख लंबी नहीं है 600 बच्चे 2000 13 लाख बहुत सारे बच्चों को 4000 भी लिए बहुत सारे 3 भी लिए 2 से कम नहीं लिए किसी 2 तो मिनिमम है कैसे पता नहीं मुझे किसी को सेक्शन 3 खुद ही समझना पड़ेगा लगा सेक्शन 3 में ज़्यादातर जो आएंगे आगे जाके उनकी पॉलिसीज ही हैं जो मेनली जो पॉलिसीज वगैरह और कॉन्स्टिट्यूशन में ज़्यादा सेक्शन 3 में इतना ही है गुलाम मोहम्मद साहब छुट्टी हो गई तो मैं इसे मजाक में जा रहा था और मैं लाइन नहीं है रिजाइन करना एक रिजाइन का मतलब होता है आई डोंट केयर रिजाइन करना एक तौहीन है तो मैंने कहा सर रिजाइन नहीं किया
वो रिस्पेक्ट पर आती है, वो कहता है मेरी इज्जत है भाई, ईमानदार आदमी है, तो मैं बिजली पे रिजाइन नहीं कर, इससे कोई और ऑप्शन देगा कि मैं डिवोर्स कर रहा हूँ। अच्छा गाइस, फिर आते हैं हम सिकंदर मिर्ज़ा, मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा आ गए। सिकंदर मिर्ज़ा के दौर में सिकंदर मिर्ज़ा ने आते ही क्या गेम करे, माशाल्लाह भी लगाया। आप मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा ने क्या किया, जिसने 1950 का कॉन्स्टिट्यूशन लेके आ गया, आते ही as soon as he took over, जो constitution पिछले 9 साल में नहीं बन पाया, 47 से 56 तक कोई constitution ही नहीं है, वो रातों रात आ गया। क्या बात है भाई, पाकिस्तानी constitution रातों रात आ गया है, तो 1956 सर हम सारे काम रात को ही करते हैं। इसमें क्या हुआ कि president भी नहीं है, आज इमरान खान कौन था, प्राइम मिनिस्टर था, लेकिन प्रेसिडेंट विद द हेड एंड मेरे को रिकॉर्ड करने के लिए बताया उस टाइम रिकॉर्ड करने के लिए, और मुझे याद नहीं था बाद में बता दूँ किसको मारा, जो मैं तेरी क्लास में साथ में बैठेंगे थे बहुत दे दे मेरी भाई, अब थोड़े से भरम दिखाई दे पूरा पाकिस्तान जो है स्टेट पंजाब और उसके अंदर पाकिस्तान है, तो यूनाइटेड है ताकि डेवलपमेंट हो, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान कब है, कहते हैं हम एक नहीं हैं, हम दो हैं, दो सौ मछली खाते हैं, वो कहते हैं हमें ज़्यादा राइट नहीं है, असल में सर अच्छा उनके ज़्यादा राइट, लेकिन बंगाली कहते थे हमें ज़्यादा राइट नहीं है, ज़्यादा हमारे द्वारा बनता भी था उनका ज़्यादा राइट, उनका राइट ज़्यादा बनता भी था, पॉपुलेशन भी ज़्यादा थी, डेवलप भी हुई दे रहे थे, इकॉनमी भी दे रहे थे, दे तो मेरी वॉच यार, मुझे बहुत ज़्यादा शौक है पॉलिटिक्स, मैं हूँ पीटीआई का बंदा हूँ बस, तुमने भी है, तुमने ABCD पता नहीं है पॉलिटिक्स की, बातें कर रहे हो एसी ऊपर, क्या अच्छा पूछ लूँ EDM की फुल फॉर्म बताओ, अब तुम भी इसमें मत बोलो, मतलब चौधरी रहमत अली पहुँच गए, वही जो भी रहमत रहमत अली मोहम्मद अली चौधरी, हाँ मैं वो कह रहा हूँ अभी तो हम लोग उसके अंदर मिलकर पहुँचे थे खाली, इतना सा किया कितना आए उसके बारे में, सारे कीड़े तो जाया खान करेगा ना, दो साल के लिए आएगा खाली, लेकिन वो तबाह कर देगा दादा, 69 में आता 71 तक के लिए ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ है लंदन जाना, क्योंकि लंदन ही चाहता था ना, देखने के लिए
भाई क्योंकि लंदन वाले कुछ कहते नहीं है पॉलिटिकल पे, ट्रेडिशन है। ये मैं तुम लोगों को समझाता है क्लास में बैठ गया और एक सवाल नहीं कर दिया था सही कहीं भी नहीं आया टोपियाँ करा मैंने परसों रात में खरीदा बस नंबर थ्री फूड और उल्मास का ओपोजिशन भी आएगा अल्लाह करे जल्दी मर जाए अभी तक सर में मुसल्ला था भुट्टो तो बिकॉज ऑफ फोर प्राइम मिनिस्टर्स फोर प्राइम मिनिस्टर डिजाइन दैट्स व्हाई अयूब खान केम इसको कहते हैं पॉलिटिकल क्राइसिस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कहते हैं इसको पॉलिटिकल क्राइसिस अब अयूब खान साहब आ गए अयूब खान का टाइम बेस्ट टाइम ऑफ पाकिस्तान है आफ्टर जिना क्योंकि हम सही यार अयूब खान ने काम किया जियाउल ने कोई काम नहीं किया बताऊंगा मैं क्या कर रहा हूँ सिर्फ जियाउल ने इस्लामाइजेशन लाया था वो एक काम है और दीन तो हमारे प्यारे करोड़ों साल पहले ला चुके हैं और जिया ने नया काम नहीं किया आपको बताऊंगा मुल्क में जो भी नीड होती है ना वो काम करना चाहिए क्या नीड थी फूड शॉर्टेज को मिटाना था इकोनॉमी डाउन थी पैसे नहीं थे नीड को फुलफिल करना हुआ थी काम ये नहीं कि नया एक एजेंडा शुरू कर दिया इस्लाम हमारे प्यारे में तो हम लाए हैं कुरान हमारे पास है उसको हम इस्तेमाल करें हमारा माल हमारे साथ है अयूब खान अयूब खान सबसे पहले लाया ग्रीन रेवोल्यूशन हरियाली कैरेट ट्रैक्टर देंगे एसवाईपी देंगे पेस्टिसाइड देंगे हरियाली लाएंगे लोगों के लोगों को ताकि फूड शॉर्टेजेस खत्म हो जाए क्या बात है ये होता है क्या ये जो नीड थी फूड शॉर्टेजेस का उसको फुलफिल किया ग्रीन रेवोल्यूशन फोर मार्क भी आएगा सवाल व्हाट वाज ग्रीन रेवोल्यूशन फिर इसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश की पीडी सिस्टम बेसिक डेमोक्रेसी एनडीसी का फोर मार्क्स में पीडी सिस्टम बेसिक डेमोक्रेसी बीडी सिस्टम इसमें क्या था अयूब खान ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया अयूब गॉट वोट ऑफ कॉन्फिडेंस फ्रॉम असेंबली 18,000 पॉलिटिशियन वोटेड फॉर हिम 18,000 डेलीगेट जो थे उन्होंने वोट किया बीडी सिस्टम में डेमोक्रेसी ला रहा है बेसिक बुनियादी जमहूरियत ला रहा है और 1959 में आया था 18,000 जो डेलीगेट थे पॉलिटिशियन थे असेंबली के जो मेंबर थे उन्होंने डेढ़ साल बाद इलेक्शन हो गया तक 5 साल बचे हैं।
नो प्रेमशन, क्योंकि चार प्रेमशन पिछले निकाले गए, याद है चार प्रेमशन को निकाला गया है सिक्सटी टू के कॉन्स्टिट्यूशन में, देयर इज नो प्राइम मिनिस्टर सीट, प्रेमशन छुट्टी, ये सबसे फेल हो गया कि हमारा मुल्क में प्राइम मिनिस्टर ही नहीं, क्या बात है, मुल्क में प्राइम मिनिस्टर ही नहीं, और उर्दू लैंग्वेज को ऑप्शन लैंग्वेज बनाया गया था, और हमारे असेंबली वगैरह होंगी, नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली, उसके बाद बॉडी बहुत अच्छी हो गई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुई, इकॉनमी डेवलप हुई थी हमारी, ठीक है, और हमारे स्कूल बोले थे मैंने, उसने इस्लामाबाद को कैपिटल बनाया था, क्योंकि वो ज़्यादा सेफर है, वाई इस्लामाबाद वॉज चूजन एज कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान, सेवन मार्क में आएगा, क्योंकि इस्लामाबाद सेफर है, रावलपिंडी में हमारा हेडक्वार्टर है आर्मी का बेस है, इसमें जो है बेसिकली हमारे लिए ज़्यादा सिक्योर जगह है, इस्लामाबाद इससे चुना गया, कराची बहुत ओवर क्राउडेड था, कराची की दवाइयाँ बतानी होंगी, कराची के डॉक्टर्स बताने होंगे कि कराची ओवर क्राउडेड था, रेफ्यूजी क्राइसिस थे, यहाँ पे थ्रेट ऑफ वॉर है, थ्रेट ऑफ वॉर यहाँ का समंदर के पास है, किसी पर कोई भी अटैक कर सकता है, इससे ईजी वे नेवल जो होते हैं वो आसान होता है, ग्राउंड का आना है, हवा से आना डिटेक्शन हो जाती है, नेवी से भी हो जाती है, लेकिन हम फिर भी अलग से बहुत अच्छी फिर स्ट्रॉन्ग ला सकते हैं, अगर एक पार्लियामेंट हाउस में अल्लाह का जनरल आया खत्म हो गया तो वो उनकी सलामती को देख रहे सोसाइटीज में एलयू फाटा बड़ा चला होता है, एलपीजी क्राइसिस में तो फूड शॉर्टेज को खत्म किया ग्रीन रेवोल्यूशन से, और इसने बेसिकली सोसाइटी सही की, औरंगी टाउन गटाप टाउन इसने बनाया है रेफ्यूजी क्राइसिस को खत्म करने के लिए, औरंगी टाउन गडाप टाउन खुदा की बस्ती सेल्फ हेल्प स्कीम चैप्टर नंबर 12 पॉपुलेशन में भी हम डिस्कस करेंगे ऑन संडे इंशाल्लाह, सेल्फ हेल्प स्कीम लाया था अपनी मदद आप कि गवर्नमेंट आपको फ्री लैंड देगी, ज़मीनें फ्री दी गई थी, औरंगी टाउन फ्री का है, आज नहीं फ्री का मेरा फ्री था, वो सारा लीडर्स हैं गडाप खुदा की बस्ती, इंतहाई कदम की करप्शन हुई है, एक फैमिली को एक घर मिला था लेकिन पाँच साल उन्होंने दस घर लिए, फुल करप्शन हुई थी, साथ पाकिस्तान ने दिया, यहाँ से पाकिस्तान चाइना बिकेम ओवर सेकंड वाइफ बिकॉज चाइना को वॉर में हेल्प मिली, हमारी अमेरिका सेकंड वाइफ चाइना हो गई, याद करने के बता रहा हूँ हमने चाइना को सपोर्ट किया था, इस वजह से चाइना से हमारी दोस्ती का एक रीजन होता है, फ्रेंडशिप चाइना से भी नहीं हमारी, हमारी फ्रेंडशिप ईरान से है, अफगानिस्तान से है, हमारी तुर्की से बड़ी फ्रेंडशिप है, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, चार दिन में आपको तभी तो वीजा मिलता है, वीजा बंदा जा रहा है टोटल पीएससी जाना जरूरी है, ठीक है, 1965 में बहुत वेरी पैसा मिला, कश्मीर स्टार्ट किया था, ब्लेम कर दिया था भुट्टो ने, करवाई है हालांकि जनरल साहब कौन थे, अयूब खान थे, अयूब खान ने वॉर करवाई थी, फिर ये वॉर स्टॉप हो गई, टेस्टमेंट ट्रीटी भी कहते हैं, टेस्टमेंट अकॉर्ड भी कहते हैं, 1966 हमारे घर के साथ सफाई करनी है, तुम 10,000 12,000 में ऑनलाइन कर लो, वो 10,000 में प्लस कोर्स पूरा कर रहे हैं, ऑनलाइन के डेमोक्रेटिक एक्शन कमेटी का जिसने इलेक्शन फातिमा जिना के खिलाफ, अयूब खान ने फातिमा जिना अगर बहन हो तो क्या जीत जाओगी, कल तो नहीं छोड़ोगे ना, उबर में जाओगे बिठा देना, साथ बिठा देना, नीपा तक पता क्यों जाते हो, नीपा को उतार देना, डर रहा था कल, डर रहा था बाइक नहीं चलानी आती, कहाँ से कहाँ घुमा रहे हैं, मुजीबुर रहमान फ्रॉम
ईस्ट पाकिस्तान अवामी लीग का नाम भी मैंने बताया, लंबी नहीं करूँ। अपनी गवर्नमेंट होगी, अपनी फॉरेन पॉलिसी होगी, अपने ट्रम्प होंगे, अपनी करेंसी होगी, सारी चीजें अपनी होंगे। मेरी जिंदगी मेरी मर्जी, अपना खाना खुद बनाओ और मर जाओ। अबे जीसस को बदल दे, भी कहा था हमें अलग करो, हमें अलग जगह चाहिए, हमें साथ नहीं रहना, करेंसी चाहिए टका और यहाँ रुपया था। तो बांग्लादेश में सही पाकिस्तान के सारे पॉइंट्स थे वो पाकिस्तान के खिलाफ थे। तो ऑपरेशन सर्च लाइट अटैक ऑफ पाकिस्तान, अब इस पे अटैक किया और बीस स्लॉटेड बंगाली, बंगालीज को स्लॉटरिंग की गई है, तकरीबन 4,000 बंगालीज को किल किया गया है इस वॉर में। फिर इंडिया ने कहा अच्छा बहुत जुल्म हो रहा है बंगालीज को, मुजीब का पाकिस्तान, भुट्टो का पाकिस्तान। हम आपको इंडिया से इंडिया ने मुक्ति वाहिनी बनाई, मुक्ति वाहिनी का मतलब होता है बंगालीज को रातों रात ट्रेन करा के जाओ पाकिस्तान से लड़ो, हम आपको वेपन देंगे, हम आपको टैंक देंगे, पाकिस्तान को मारो। जब जब पाकिस्तान के बोलने की बात है वहाँ के साथ बांग्लादेश एंड इंडिया वेंट अगेंस्ट पाकिस्तान। अब इंडिया हेल्प कर रहा है बंगालियों के, इन्होंने मुक्ति वाहिनी को ट्रेन किया, बंगाली फ्रीडम फाइटर्स हैं ये, इन्होंने इनको ट्रेन किया गया, इंडिया ने रातों रात ट्रेन किया पाकिस्तान के खिलाफ। और इसमें ऑपरेशन जैकपॉट लॉन्च हुआ, दिस इज नॉट इन योर बुक, प्लीज राइट इट डाउन, ऑपरेशन जैकपॉट क्या था? ऑपरेशन जैकपॉट लिखो। अटैक साइमल्टेनियसली मुक्ति वाहिनी और इंडिया ने अटैक किया, एयर ग्राउंड एंड सी, तीनों जगहों से अटैक होगा एक वक्त में। बड़ी बड़ी मुश्किल वॉर हो रही है, जैसे रशिया और यूक्रेन की जंग हो रही है, यहाँ पे एयरफोर्स भी की गई, ये तो तीनों पे लाइव हो रहा है, एयर आर्मी भी हो रही है, नेवी भी हो रही है और एयरफोर्स भी। साइमल्टेनियस अटैक को कहते हैं ऑपरेशन जैकपॉट। मैं इसका दिमाग खाता था इतना। यार सेक्शन 3 सर के ऊपर तक उधर गया फिर से, एक तो सर इतना तेज चल रहा है और आगे भी भुट्टो पाकिस्तान का बन गया, इलेक्शन में दूसरे नंबर पे बिल्कुल भुट्टो ने आते ही, क्योंकि हमारी आर्मी लूजर थी, याहिया खान लॉस, हम लोग हार चुके थे, वी वर डिफीटेड, ये बात सही है ना, और हार गए। तो भुट्टो ने आते ही आर्मी के जो जनरल साहब थे वो चेंज कर दिए, टिक्का खान बोले, टिक्का खान को लिया, टिक्का वो भी बन गए, जनरल टिक्का खान बिकेम द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एट द जनरल ऑफ आर्मी, जनरल टिक्का खान ने बना दिया 29 आर्मी का उसको निकाल दिया गया, रिमूव कर दिया गया भुट्टो के बोलने। उसके नीचे कौन होगा, प्रेसिडेंट होगा जो एडवाइस ऑनली होगा, फिर क्या होगा, कैबिनेट होगी, सेनेट होगा, असेंबली होगी, प्रोफेशनल असेंबली होगी, नेशनल असेंबली होगी। तो पूरा आज के पाकिस्तान में इसमें मजे की बात है, ह्यूमन राइट्स लागू हुए थे, इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच आया था कि आपको अपनी बात करने का हक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच आया था, लेकिन मगरबी तर्ज है फ्रीडम ऑफ स्पीच के, सोशल मीडिया पे आप कुछ भी लिख दो ना हमें पता है कि बुराई कर रहे हैं, नेगेटिव चीजें तो हमें सलाह किया होनी चाहिए। तो ये चीज़ें
एक हम सब चीज़ वैसे वेस्टर्नाइज कल्चर है कि कुछ भी बोल दो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सारी चीज़ों में खामोश रहते हैं, कुछ बातों में खामोशी अख्तियार करनी चाहिए। हर चीज़ बोलने वाली नहीं, जैसे बुराई करने वाली बात नहीं है, गिबत करने वाली बात नहीं है। इसकी वजह से अपोजिशन उनको लोन दिए गए, तभी फिर इंडस्ट्रीज को सही करने के लिए हम नेशनलाइजेशन लाया जो कि फेल हो गया। नेशनलाइजेशन का मतलब होता है गवर्नमेंट बैंकिंग इंश्योरेंस सर। अब सिंधी लोग उस पर पॉलिटिशियन थे, पीपल्स पार्टी वाले जो थे वो इलिटरेट थे, दे वर इलिटरेट एंड नॉट नेशनलाइजेशन। आप सारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को टेक ओवर कर रहे हो, इट वाज अ ह्यूज जॉब, इट फेल्ड। जितनी गवर्नमेंट ओल्ड बिल्डिंग है, भापका है, पीआईए है, हर स्विस पी और डेस है, हर चीज में डांस सारी करी की मैचिंग बोल पीआईए तो योगे पी के आई और मजे का ये ने मंगला हो गया। फिर इन्होंने मेडिकल रिफॉर्म भी लाए, आरएससी और डीएच। आरएससी का मतलब होता है रूरल हेल्थ सेंटर में 60,000 लोगों का इलाज होगा डेली, डेली लोगों का इलाज होगा, कैंप लगाए गए, कैंप लगाए गए इलाज करने के लिए। डीएच में बेसिक हेल्थ यूनिट्स, ठीक है, इस साल एक्सपेक्टेड है 4,000 सवाल। तो बेसिक हेल्थ यूनिट्स के अंदर लोगों की ट्रीटमेंट करेंगे, 30,000 का इलाज होगा, ठीक है, ये लाए थे। और ब्रांडेड मेडिसिन उन्होंने बंद कर दिया था, कहते ब्रांडेड नाम नहीं, जो पैराडॉल की ब्रांड है, ब्रांड नहीं होंगे ताकि प्राइस चीप हो जाए, लेकिन ब्रांडेड कंपनी पर चली गई। दे क्लोज डाउन फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है, दे क्लोज डाउन देयर कंपनी। तो मुल्क में फूड शॉर्टेज थी, लेकिन दवाई शॉर्टेज की हो गई, मेडिसिन शॉर्टेज हो गई। बोला था एक ही कंपनी में चली गई सारी। आयुष्मान की फॉरेन पॉलिसी आपका क्या है? फॉरेन पॉलिसी आएंगे एक कदम से का बात है। 1972 1 billion dollar दिया था। बांग्लादेश के साथ हमारे अच्छे तालुक थे, हमने मुझे बरमान को सेक्टर को मतलब सीटों क्या था, साउथ ईस्ट एशिया की ऑर्गेनाइजेशन थी, अमेरिकन फंडेड ऑर्गेनाइजेशन थी, जिसमें यूएसए है, यूके है, फ्रांस है, फिलीपीन है, मलेशिया है, ये कम्युनिस्ट कंट्रीज है, कम्युनिस्ट आगे अच्छा एंटी कम्युनिस्ट है। कम्युनिज्म कौन था? चाइना, चाइना रशिया और चाइना के खिलाफ हमने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की थी, मतलब हम डबल गेम करते थे। अभी हम चाइना के दोस्त बन गए, लेकिन अमेरिका के साथ दे रहे हैं कि हम चाइना को आगे जा रहे हैं। तो सीधे क्या था, हम कम्युनिज्म के खिलाफ थे। कम्युनिज्म क्या होता है? माफिया सिस्टम होता है, जहाँ रिच की चलती है, जहाँ कुछ कम्युनिटीज होती हैं जो अपने हिसाब से चलाते हैं, वहाँ लोगों की नहीं चलती, जहाँ पे डेमोक्रेसी होती है। 50 रुपये को छोड़ देगा, लोगों की चलती है, पुलिस नहीं चलती। तो ये आयुष्मान है, आयुष्मान के डाउनफॉल से मिलने का एक बहुत रीजन फॉर डाउनफॉल ऑफ जुल्फिकार अली भुट्टो, डाउनफॉल ऑफ जुल्फिकार अली भुट्टो मेंशन करने नोट करने सवाल, व्हाट वाज द रीजंस फॉर द डाउनफॉल ऑफ जुल्फिकार अली भुट्टो? एग्रीकल्चर रिफॉर्म के खिलाफ पीएनए बनी थी, आयुष्मान के खिलाफ डीएससी बनी थी, पाकिस्तान नेशनल अलायंस बनी थी, पाकिस्तान नेशनल अलायंस, पाकिस्तान 9 parties थी, भुट्टो वॉज अरेस्टेड, भुट्टो अरेस्ट कर लिया क्योंकि वो कातिल था, उसमें नाम साबित हो गया था, अहमद अजहर कश्मीरी का मर्डर करवाया था, उसको बेबासी हो गई।
सर ने डाउनफॉल में इतनी सारी चीज़ें नहीं बताई, डाउनफॉल में इतनी सारी चीज़ें नहीं बताई सर ने। और मां के लिए आएगा गाइस, व्हाट वाज हुजूर ऑर्डिनेंस, हुजूर ऑर्डिनेंस में क्या था, जिना ऑर्डिनेंस आया कि भाई एडल्ट्री का ऑर्डिनेंस आपको मार दिया जाएगा, अगर कोई नॉलेज गलत करेगा डिसरिस्पेक्ट करेगा, लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट आ गई, कटिंग द राइट पड़ेंगे आप चोरी करोगे और उल्टा उल्टी डालोगे। 5% शिया मुस्लिम ने अपोज किया था कि भाई वॉलंटरी देना चाहिए और जकात वैसे भी वॉलंटरी देना चाहिए, खुद देखभाल के बाकी मुद्दा ही बनता है पूरा टाइम सर दफा देख रहे हैं काम का मसला था। तो शिया ने अपोज किया था भाई, क्या हाल है अभी रिकॉर्ड हो रहा है फिर वुमेन को ऑफेंस किया था, वुमेन को ये कहा नहीं लिखा जा रहा है नॉट वर्किंग प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो कि हमारे काम में के बगैर सारे मामला दें कि नॉट वर्किंग प्राइवेट, लेकिन वुमेन उसको अपोज किया, वुमेन यहां से एंट्री स्टार्ट हो गई, वुमेन को ऑफेंस किया कि वो घर से बाहर अकेले नहीं जा सकते, वुमेन विल नॉट गो आउट, वुमेन को वहां से एंट्री स्टार्ट कर दी, फिर इसने इलेक्शंस करवाए, ठीक है 1955 में इलेक्शंस करवाए और ये प्रेसिडेंट की सीट जीत गया, प्रेसिडेंट सर पता है प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को कभी भी हटा सकता है, नॉट दी अदर प्रेसिडेंट गॉट दी पावर्स, अब 8 अमेंडमेंट की बात हो रही है, 8 अमेंडमेंट का प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को भी हटा देगा, वो तो पता है क्या लिखवाया फिर हम प्रेसिडेंट इन द 8 अमेंडमेंट, प्रेसिडेंट की जेब में आर्मी होगी, ये कह रहे हैं आप बोला प्रेसिडेंट हैज ऑल द अथॉरिटी ऑफ आर्मी गवर्नमेंट और ये 8 अमेंडमेंट को खत्म किया था 13 अमेंडमेंट, चीफ जस्टिस अपनी मर्जी के साथ ताकि आपको कोई फांसी में ना पड़े, आप अपनी मर्जी को आर्मी चीफ लाओ अपनी मर्जी का ग्राउंड अमेंडमेंट क्या था, प्रेसिडेंट लाओ ग्राउंड अमेंडमेंट क्या था, लॉ बन जाएगा ग्राउंड अमेंडमेंट क्या था, आप बात समझिएगा सवाल लिखिएगा व्हाई ग्राउंड अमेंडमेंट इस्लामाइजेशन वाज इंट्रोड्यूस, सवाल लिखिएगा जब पाकिस्तान में वेपन न्यूक्लियर पावर बन गया था तो यूएस ने तो यूएस एड ने यूएस वालों ने एड देने का मना कर दिया, तो ब्राउन तो है अच्छा सुनो तो ब्राउन अमेंडमेंट साइन किया गया था जिसके में मैं भी देखूं पीपल डोंट लाइक आर्मी पीपल because Ziaulak wanted to gain support of religious political parties. ज़ियाउल्लाह चाहता था कि गवर्नमेंट के जो रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी सपोर्ट मिल जाए, ही वांटेड टू गेन सिंपैथी ऑफ उलमाज, कि आर्मी के बंदे को पसंद नहीं किया जाता, तो उसने एक बेसिकली फॉर्मूला लेके आया कि हम इस्लाम ला रहे हैं, इस्लाम लाएंगे तो ज़ाहिर उलमा को उसमें जमीयत उलमा जमीयत उलमा इस्लाम पॉलिटिकल पार्टी थी उसके बाद हम ये इस्लामाइजेशन क्यों लाया था, नंबर टू बिकॉज भुट्टो गवर्नमेंट वॉज सोशलिस्ट, भुट्टो की गवर्नमेंट जो है वहाँ ड्रिंकिंग और गैम्बलिंग बहुत कॉमन, भुट्टो गवर्नमेंट वॉज सोशलिस्ट, ड्रिंकिंग गैम्बलिंग बहुत कॉमन थी भुट्टो की गवर्नमेंट। सवाल लिख लीजिए व्हाट वाज द रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ ज़ियाउल्लाह, डाउनफॉल ऑफ ज़ियाउल्लाह, सेवन मार्क का सवाल आएगा, व्हाट वाज द रीजन फॉर द डाउनफॉल ऑफ ज़ियाउल्लाह, ज़ियाउल्लाह को क्यों निकाला गया, नंबर वन क्यों है डाउनफॉल ऑफ ज़ियाउल्लाह इज दैट एन आर डी, जैसे अयूब खान में डीएसी था आपका जुल्कार अली भुट्टो में पीएनए था और इस बार ज़ियाउल्लाह के लिए हमारा है एमआरडी मूवमेंट फॉर रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, मूवमेंट फॉर रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, ऑल पॉलिटिकल पार्टी जॉइन हैंड्स यार, ऑल पॉलिटिकल पार्टी जॉइन हैंड्स, रमजान में टॉर्चर कर रहे हैं ये लोग, इलेक्शन
वहाँ पे चला गया था इन्वेस्टिगेशन करने, पैमिच वगैरह नाम था जो नहीं जो मोहम्मद खान जो चला गया था इन्वेस्टिगेशन करने, तो उसको रिमूव कर दिया था यार। गर्म जा रहा था जो क्या है मेरी गाड़ी वापस भाई, अब इससे मेरी गाड़ी दो तुम लोग नहीं ना गाड़ी है यार है? मैंने लॉलेस पहन लिया तो 1,00,000 रुपये की जोर से मारा है। उसके बाद टेम्पररी गवर्नमेंट आ गई, गुलाम इसहाक प्रेसिडेंट बन गया। अब इलेक्शन हुए 1988 की बात है, 1988 में इलेक्शन हुए, पीपल्स पार्टी वॉन इलेक्शन बिकॉज भुट्टो जिंदा है। बेनजीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर शी और सिंपली वोट फॉर द फादर, अपने वाले साहब कहते हैं भाई हमारा अब्बा जी में वो इनोसेंट थे, फिर उनका कत्ल नहीं किया, यू आर इनोसेंट। इसलिए भुट्टो का सही उत्तर नहीं है, बच गया और हम लोगों ने लाइक किया और हमने वोट को फॉरवर्ड करना चाहते हैं। लेकिन आते ही मोशन स्टार्ट हो गई थी गाइस, और इसने इसकी फॉरन पॉलिसी बनी है। बेनजीर के तीन फॉरन पॉलिसीज हैं और बेनजीर भुट्टो तीन फॉरन पॉलिसी, सार में मेंबर बनाया था, सार में मेंबर बनाया था साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन कॉपरेशन, सार में मेंबर बनाया था आईटी के साथ, तीन स्ट्रीज की थी हमने इंडिया के साथ साथ रखे थे मैंने अमेरिका से बहुत बढ़िया लगी मैं रात में वीडियो अपलोड कर दूँगा पूरी रिकॉर्डिंग जो की है ना वॉइस रिकॉर्डिंग रात को वीडियो अपलोड यूट्यूब पे देखोगे 3 घंटे तीन घंटे देखोगे 3-4-5 घंटे की बनेंगे सेक्शन बनते स्टार्ट किया अभी तक चल रही है 4-4.5 घंटे तो हो गए होंगे। उसके बाद यहाँ पे अब मैं जब इसको अपलोड करूँगा यहाँ से सब्सक्राइबर तो मिल जाएंगे मुझे। 1993 क्या करना है क्या चाह रहे हो ये क्या था रोजा है तुम्हारा रोजा है तुम्हारा नसवार करना थप्पड़ मारने के गरम कर रहा जब से देख रहे हैं इन्होंने न्यूक्लियर पावर स्टार्ट करवाया, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट इन्होंने आते ही करप्शन भी की है। बीसीसीआई के स्कैंडल है, बैंक ऑफ क्रेडिट एंड कॉमर्स इंटरनेशनल ने इसमें करप्शन की है, फिर कॉपरेटिव सोसाइटीज है उसमें भी करप्शन हुई, 7,00,000 लोगों का पैसा खा गए भाई साहब। मेरे 7-8 ने इसको भी हटा दिया, 7-8 में प्रेजिडेंट थे, ही डिसमिस हिज गवर्नमेंट, इनकी भी गवर्नमेंट डिसमिस हो गई। फिर एंड में जो है फिर बेनजीर साहब आ गए, फिर बेनजीर साहब ने क्या किया वुमेन के लिए एम्पावरमेंट के लिए वुमेन के लिए काम करेंगे। अच्छा बेनजीर मदर नुसरत भुट्टो वॉज अगेंस्ट बेनजीर कि भाई ये औरत है ये सियासत में क्या करेगी, तो शी वॉन्ट हर मदर वॉन्टेड मीर मुर्तजा टू बिकम द लीडर ऑफ पीपल्स पार्टी, तो मीर मुर्तजा को फिर मरवा दिया गया, एनकाउंटर करवा दिया गया, बेनजीर ने जिसने एनकाउंटर किया था उसको रिमोट करा गया। कौन हो तुम? सिर्फ पुलिस ने अच्छा काम किया है, मैंने कौन है यार तो मैं भाई को मरवा दिया लेकिन अब क्या हुआ 8 अमेंडमेंट के बाद 30 अमेंडमेंट आई जिसमें प्राइम मिनिस्टर को सारे अख्तियार मिल गए कि प्राइम मिनिस्टर सारी पावर रिवोक कर सकता है, वो जज साहब को भी निकाल सकता है। अब सोचो नवाज शरीफ के पावर लगी कि वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को निकालता है, उसने जनरल ग्रामत को भी निकाल लिया, मुशरफ को लिया, उसने गवर्नमेंट भी अपने बंदे लिया है, उसने चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह को रिमूव कर दिया। तो नवाज शरीफ ने बेसिकली सारा लॉ अपने हाथ में ले लिया। अब मुशरफ देख रहा था सारी चीजें, मुशरफ देख रहा गया कि तो सारी चीजें इसने अपने हाथ में रखी है, सारा लॉ इसने अपना बना लिया, तो मुशरफ टुक ओवर द गवर्नमेंट, ही इंट्रोड्यूस मार्शल लॉ जिसको प्लेन कॉन्स्पिरेसी भी कहते हैं, कि प्लेन हाईजैकिंग भी कहते हैं, कि नवाज शरीफ ने ऑर्डर दिया कि मुशरफ का प्लेन कराची में लैंड नहीं होना चाहिए,
लेकिन वो लैंड हुआ तो मेरी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस था आई फाइव मेल थी और दैट हाउ मुशर्रफ टुक ओवर. सवाल लिख लीजिए व्हाई मुशर्रफ टुक ओवर इन 1999. लास्ट क्वेश्चन का ही व्हाई मुशर्रफ टुक ओवर इन 1999. जो बादराबाद वाले हैं बादराबाद जा सकते हैं. एंड इफ यू वांट के इफ आई टीच योर सिब्लिंग्स इंशाल्लाह आई विल बी टीचिंग द नेक्स्ट इनटेक फ्रॉम द नेक्स्ट सेमेस्टर. और ऑलरेडी अनाउंस्ड नान हाशमी फॉर मैथ सो ही विल बी आल्सो टीचिंग इन ऑल द एरियाज. सो वी हैव सर माविया कैन यू हैव यू ऑन द स्टेज प्लीज.